सुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशी विभूषित करात नवनीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरुष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने धेयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरेचिनुतं शरण्यं भृत्यार्दिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वंदे महापुरुषते चरणारविंदम् आसामहो चरणरेणुमहं जुषां श्यां वृंदावने गोल्मलतोषधीनां या दोस्त्यजं स्वजनमार्यपथं चहित्वा भेजूर्मुकुंद पदवीं स्तुतिभिर्विज्ञां हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 हरे कृष्णा अकारण करुणा परुणालय भगवान श्याम सुंदर के कृपा से विगत चार दिन से आप सभी लोग श्रीमद् भागवत कथा सुनते हुए आ रहे हैं। आज भागवत सप्ताह महामहोत्सव का पंचम दिवस है, आज पांचवा दिन है। भगवान के कृपा से धीरे धीरे करके चार दिन की कथा हम लोग सुन लिए। आज पंचम दिन के कथा में हम लोग प्रवेश किए हुए हैं, बैठे हुए हैं।
वास्तव में ये भगवान की कृपा है। भगवत कृपा के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। भगवान आप लोगों के ऊपर विशेष कृपा किए हुए हैं, जो कि आप लोग भगवान के दरबार में आकर के भगवान श्याम सुंदर के दिव्य लीला कथा सुन रहे हैं। यह मानव जीवन भगवान के भजन के लिए ही, भक्ति के लिए ही मिला हुआ है। इस शरीर में आकर के अगर कोई व्यक्ति भगवान का भजन नहीं किया तो उसका जीवन व्यर्थ ही चला गया है। लेकिन जो व्यक्ति इस मानव शरीर में आकर के, इस मनुष्य शरीर में आकर के अगर भगवान का भजन कर रहा है तो समझिए कि वो अपने जीवन को सार्थक कर दिया, अपने माता पिता को धन्य कर दिया। माता पिता की सबसे बड़ी सेवा क्या है? अगर कोई भगवान का भजन करे तो समझो कि सबसे बड़ा सेवा कर रहा है। माता पिता का ऋण होता है पुत्रों के ऊपर, और ऋण से छुटकारा वही पुत्र होता है जो भगवान की भक्ति करता है। वास्तव में माता पिता के वास्तविक संतान वही होता है जो भक्ति में लगा रहता है। तो आप सभी लोग अपने माता पिता के सच्चे सबूत हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण के लीला कथा सुनने के लिए समय निकाल करके बैठ करके कथा सुन रहे हैं। कल बहुत सुंदर कथा हम लोग सुन रहे थे कि भगवान अखिल ब्रह्मांड के जो नायक हैं, वो भगवान अपने धाम को छोड़ करके, जहां किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, भगवान के धाम में गर्मी नहीं पड़ती है, भगवान के धाम में ठंड नहीं लगता है, वहां मुंह नहीं सूखता है पानी के बिना, बहुत सुंदर स्थान है भगवान का। लेकिन उस सुंदर स्थान को छोड़ करके भगवान इस धारा धाम पर आए। जानते हैं किसके लिए आए? भक्तों के लिए। भगवान अपने भक्तों को सुखी करने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए अपने नित्य धाम को छोड़ करके यहाँ पर आए हैं इस संसार में। गोस्वामी जी ने वर्णन किया है भगवान के अवतार प्रसंग में कि राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका। भगवान के जन्म के अनेक हेतु हैं, अनेक कारण हैं। कोई कोई कहते हैं कि जब असुरों का प्रभाव बढ़ गया था तो असुरों को मारने के लिए भगवान आए। असुर लोग ज्यादा इस संसार में, इस पृथ्वी पर आ गए थे तो उन असुरों से इस पृथ्वी का भार बढ़ गया था, क्योंकि असुर पापी होते हैं, दुष्कर्म करते हैं, अधर्मी होते हैं। तो पृथ्वी सबसे ज्यादा घबराती है पापियों से। जो पाप कर्म करता है उससे पृथ्वी कांपने लगती है। तो कहते हैं कि भगवान उन पापियों को मारने के लिए आए, उन असुरों को मारने के लिए आए। कोई कोई कहते हैं कि नहीं नहीं, पापियों को मारने के लिए भगवान नहीं आए, भगवान आए अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। अनुग्रहाय भक्ताना, अपने भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान आए। और आनंद में जो जो बाधक बने उसको भगवान समाप्त करते हैं। भगवान का मुख्य उद्देश्य दुष्टों को मारना नहीं था, भगवान का मुख्य उद्देश्य था अपने भक्तों को सुखी करना। जैसे
आप लोग खेती करते हैं, इधर धान की खेती होती है ना, तो धान की खेती आप लोग चावल के लिए करते हैं, है कि नहीं? लेकिन चावल के साथ साथ भूसा पुआल भी मिल जाता है, पुआल भी मिलता है। कोई किसान पुआल के लिए धान की खेती नहीं करता है, कोई किसान गेहूं भूस के लिए नहीं करता है, कोई किसान गाय को गोबर के लिए नहीं पालता है, किसके लिए पालता है? दूध के लिए। गेहूं भूस के लिए नहीं बोता है, गेहूं के लिए करता है, धान की खेती करता है चावल के लिए, लेकिन बदले में भूस पुआल गोबर ये सब मिल जाते हैं। वैसे ही भगवान अपने भक्त को आनंद देने के लिए आए, लेकिन आनंद देने में असुर लोग बाधक बन रहे थे, तो उन लोगों को सफाई करते गए। ये उद्देश्य था भगवान का आने का, नहीं तो भगवान बिना आए भी असुरों को मार सकते हैं। भगवान के दृष्टि से, भगवान के इच्छा से सारी सृष्टियां होती रहती है। भगवान की दृष्टि जिधर पड़ जाती है, सृष्टि हंसने लगती है। पड़ जाती है दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। भगवान जिधर अपने नेत्र को डाल देते हैं, उधर की सृष्टि हंसने लगती है, हरी भरी हो जाती है। और भगवान अपने नेत्र को बंद करते हैं तो प्रलय छा जाता है। भगवान अपने नेत्र को बंद करते हैं तो प्रलय छाता है। लेकिन वही प्रभु आज ब्रजमंडल में अवतार ले चुके हैं। कल आप लोग सुन रहे थे कि नंद जी के यहां जब भगवान का जन्म हुआ, नंद बाबा का उम्र उस समय 85 साल के थे, नंद बाबा 85 और मैया जसोदा 80 साल की थी। बड़े आनंद में होकर के नंद बाबा सोना चांदी हीरा मोती खूब सुंदर सुंदर रत्न वस्त्र आभूषण सब कुछ लुटा रहे हैं अपने पुत्र के आनंद उत्सव में, क्योंकि उनको खुशी है, उनको आनंद है। आनंद में नंद बाबा, मैया यशोदा, माता रोहिणी और भी जितने ब्रजवासी गण हैं, गोपी गोप सब लोग आनंद में हैं। और आनंद में नंद उत्सव मना रहे हैं। नंद उत्सव एक भजन मैं गाऊंगा, आप लोग भी मेरे साथ गाइएगा कि बड़े आनंद में सभी लोग हैं। और आनंद में हो करके सभी लोग खुशी मना रहे हैं। अरे ब्रज में है रहे जय जयकार, ब्रज में जय जयकार हो रहा है। अरे नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है जन्म देखने के लिए। लाला जायो है यशोदा ने, लाला जायो है, लाला जायो है यशोदा ने, लाला जायो है। ब्रज में है रहे जय जयकार, नंद घर लाला जो थे
Oh,
इसलिए गा रहा था, ध्यान दीजिएगा कि जब भगवान का जन्म हुआ तो भगवान के जन्म को सुनकर के ब्रह्मा जी आए, शंकर जी आए, सनकादिक आए, नारद जी आए, सभी लोग अपने अपने रूप को छिपा करके ग्वाला का रूप धारण करके, ब्रजवासी का रूप धारण करके, यहां तक कि सरस्वती जी, पार्वती जी, ब्रह्माणी, इंद्राणी, लक्ष्मी, सभी लोग अपने अपने रूप को बदल करके, कोई ग्वाला का रूप धारण किया है, कोई गोप का रूप धारण किया है, कोई गोपी का रूप धारण किया है, और सभी लोग ब्रजमंडल में आ गए और कोई भी व्यक्ति वहां खाली हाथ नहीं आएगा। ये नहीं कि खाली चले आए, नहीं, तीन चार जगह जाना चाहिए तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु के यहाँ, माता पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ और भगवान के यहाँ कभी भी जाना चाहिए तो कुछ ले करके जाना चाहिए। जैसे आप लोग ले करके आते हैं, कुछ ना कुछ ले करके यहाँ के लोग आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, यही विधि है। भगवान के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भगवान ही तो हम लोगों को दिए हैं। जिस भगवान ने हमको दिया है उनको देने में क्यों हम पीछे हटेंगे? जानते हैं अगर कोई भगवान को देता है तो जितना देता है उसके ठीक 10 गुना फिर भगवान लौटा देते हैं। और बताइए, जिसको ज्यादा धन करना है तो जितना देगा उसके 10 गुना उसको मिलेगा। भगवान को देने से कभी किसी को घाटा नहीं लगा। सुदामा जी ने भगवान को दिया, सुदामा जी क्या दिए? चावल। भगवान अपने जैसा महल दे दिए। भगवान कभी भी अपने पास रखते नहीं है, सब लौटा देते हैं। तो सभी लोग, जितने लोग आए थे, सब कुछ न कुछ ले करके आए, और वहां बहुत बड़ा उत्सव हुआ जिसको नंद उत्सव कहा जाता है, नंद उत्सव। और वहां नंद बाबा भी खूब लुटा रहे हैं। नंद बाबा भंडारा अपना खोल दिए थे, यानी कि ताला बंद करके चाबी अपने पॉकेट में रखे थे, कहीं ज्यादा एक्स्ट्रा ना खर्च हो जाए। नंद बाबा भंडार को खोल दिए थे, जिसको जितना लुटाना है लुटाओ, सोना चांदी हीरा मोती चावल गेहूं अनाज जो था सब भंडार में से खुल चुका था, और जितना लुटा रहे थे उसके 10 गुना बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। ये देखिए, जितना कोई बांटता है भगवान में देता है तो उसके धन कभी कमी नहीं है। दान दे तो धन ना घटे। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है और वह किसी को पढ़ाएगा तो पढ़ाने से उसकी विद्या कम हो जाएगी, जितना पढ़ाएगा उतना ही उसकी विद्या और बढ़ती जाएगी। उसी प्रकार अगर कोई दान देता है तो उससे धन कम नहीं होता, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो नहीं देते, सोचते हैं कि मैं दूंगा तो मेरा जो अकाउंट है ना उसमें कम हो जाएगा, तो उसका वैसे ही पड़ा रहता है, उसमें कम ही होता, बढ़ता नहीं है। तो भगवान के जन्म उत्सव में सभी लोग प्रसन्न हैं,
सभी लोग खुश हैं और आनंद के साथ में वहां पर उत्सव मनाया गया। इसके बाद में सभी लोग अब अपने अपने घर गए लौट करके। अब इधर जो नंद बाबा हैं, नंद बाबा विचार करने लगे। नंद बाबा क्या विचार करते हैं कि देखो हमारे यहां बच्चों का जन्म हुआ है, उत्सव मना दिया गया, लेकिन यहां का सबसे बड़ा राजा कंस है, तो साल में एक बार कंस को वार्षिक कर दिया जाता था टैक्स। हरि बोल। टैक्स देता था, वहां का प्रतिवासियों का नियम था, जैसे हम लोग टैक्स देते हैं, कर देते हैं, सरकारी कर देना पड़ता है, रोड का चार्ज, जमीन का चार्ज, कुछ नियम है सरकार का, वो देना ही पड़ता है। तो वैसे ही सबसे बड़ा राजा कौन था उस समय का? कंस। और कंस के नीचे छोटे छोटे राजा थे, जिसमें नंद जी भी राजा थे। तो नंद जी विचार किए कि कहीं कंस किसी को भेज न दे, उसे पहले ही मैं ही जाकर के कर दे देता हूं। तो नंद बाबा ब्रज से मथुरा गए और मथुरा जाकर के पहले तो कंस को टैक्स दिए और टैक्स देने के बाद में वसुदेव से मिलने के लिए गए। वसुदेव और नंद जब आपस में मिलते हैं तो दोनों में समाचार हो रहा है। समाचार होते होते नंद बाबा कहते हैं कि हे वसुदेव जी, मैं आपके विषय में क्या पूछूं? आपके छह बच्चों का, छह लड़कों का वध कंस ने कर दिया, सातवां जो लड़का था गर्भ में ही नष्ट हो गया, पता नहीं चला, और आठवां संतान लड़की हुई, उसको वह दुष्ट मारने का प्रयास किया तो आकाश में उड़ गई। नंद बाबा को ये पता नहीं कि आठवां संतान उनके यहां जो है वसुदेव का ही लड़का है, सातवां लड़का भी जो रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया वो देवकी का ही बालक है। तो नंद बाबा कहते मैं क्या बताऊं, चलिए चिंता नहीं करना चाहिए, जो लिखा जाता है वो होता है। वसुदेव जी को पता है कि आठवां जो संतान नंद लड़की समझ रहे हैं, वो लड़की नहीं, मेरा बेटा कृष्ण ही है जो नंद भवन में रह रहा है। वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा कि हे नंद जी, अब आपको यहां से जल्दी जाना चाहिए, जल्दी आप यहां से चले जाइए। क्यों? क्योंकि ब्रज में उत्पात होने की संभावना है। उनको पता है कि कहीं कंस को पता चलेगा वो बच्चों को मरवा देगा, इसलिए वसुदेव जी कहते हैं कि नंद बाबा आप जल्दी यहां से जाइए, ब्रज में उत्पात होने वाला है। बताइए, बहुत दिन के बाद नंद बाबा आए हैं तो वसुदेव जी को कहना थे, कह रहे भाई तुम यहां रहो कुछ दिन, दो चार पांच दिन, दस दिन रहो मेरे साथ, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन वसुदेव जी कहते कि नहीं, आपको यहां से जल्दी जाना चाहिए, अब जल्दी जाइए क्योंकि ब्रज में उत्पात होने की संभावना है। ये सुन करके नंद बाबा अब दौड़ते हुए भागने नहीं लगे, जैसे आप लोग कथा सुन रहे हैं और कोई आ करके कह दे कि आप लोग यहां बैठे हो, आपके घर में आग लग गया है या कोई बीमार है, तो आप लोग सही सही बताइए, जितने लोग हैं आप लोग कथा में बैठेंगे? बताइए, बैठेंगे? तुरंत भागेंगे। अगर मैं यहां से कहूं कि मत जाओ यहीं रहो, भगवान की कथा सुन रहे हो ना, भगवान रक्षा करेगा, कोई नहीं मानेगा, इतना तेजी से भागेगा, लगेगा कि वही बचाने वाला। लेकिन नंद बाबा जब वसुदेव जी के बात सुने
तो नंद बाबा भागे नहीं। नंद बाबा कहेगा कि मैं जाकर के क्या करूंगा, मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूं, मैं तो रक्षा कर नहीं सकता हूं, रक्षा करने वाले तो भगवान हैं, तो अगर जाना ही है तो हम क्यों ना भगवान के मंदिर में जाएं। नंद बाबा विचार करने लगे। नंद बाबा घर के लिए नहीं जा रहे हैं। नंद पथि बचह सौरे नमृषेति विचिन्तयन् हरि जगाम शरणम उत्पातागम संकेत। ये ध्यान दीजिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। आप लोग कथा सुन रहे हैं पांच दिन से, तो जो ढाई घंटा तीन घंटा कथा कही जा रही है तो उसमें से कुछ बात जीवन में उतार लेना चाहिए, और यही कथा सुनने का फल होता है। तीन घंटा बैठने का महत्व नहीं है कि तीन घंटा बैठ के बहुत बड़ा काम कर दिए। तीन घंटा में से एक शब्द को भी अगर अपने जीवन में उतार लिए तो वही जीवन भर काम करेगा। जैसे अभी मैं कथा बता रहा हूं कि नंद बाबा वसुदेव जी के मुख से सुन रहे हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे घर में दो दो बच्चे हैं, तुम जल्दी जाओ नहीं तो कंस वध करवा देगा लड़कों को, वो बहुत बड़ा बदमाश है, क्रिमिनल है, वो बध कर देगा, मार देगा। इतना सुनकर के नंद बाबा घर नहीं भाग रहे हैं। नंद बाबा कहे कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, कंस इतना बलवान है कि उससे मैं पंगा ले ही नहीं सकता हूँ, लड़ ही नहीं सकता हूँ, रक्षा तो करने वाले भगवान हैं, तो मैं क्यों ना गोविंद के शरण में जाऊं, मैं क्यों ना भगवान के शरण में जाऊं। आप लोग भी याद रखना, कोई भी विपत्ति घर में आवे, कोई भी संकट आवे, कोई भी समस्या आए, तो भगवान के शरण में जाना, गोविंद के शरण में जाना, गोविंद रक्षा करने वाले हैं। तो नंद बाबा हरि जगाम शरणम उत्पात आगम संकेत, उत्पात के शंका से वो सीधे हरि के शरण में। हरि जैसे हम लोग जप करते हैं ना, क्या बोलते हैं, हरे, पहले कहते हैं क्या, हरे कृष्णा, तो हरे माने हरि, ये ध्यान देना, हरि का जब रूप चलता है हरि हरि हरय हरिम हरि हरिम हरिणा हरिभ्यम हरि भी हरे हरिभ्यम हरिभ्यम, ऐसे रूप चलते हुए सप्तमी की एक वचन का संबोधन में हरे माने हे हरि, हे भगवान। हरि का मतलब होता है हरि शब्दे नाना अर्थ दुई मुख्यतः, हरि शब्द के अनेक अर्थ है, उसमें से दो मुख्य है। पहला क्या है कि सर्व अमंगल हरे, समस्त प्रकार के अमंगल को हरण कर लेते हैं, और दूसरा प्रेम दिया हरे मन, व्यक्ति के मन आकर्षित करके मन को हरण करके प्रेम प्रदान कर देते हैं। भगवान के शरण में जाने पर भगवान आनंद प्रदान करते हैं, समस्त प्रकार के जो अमंगल है, जो हानि पहुंचने वाला है, उसको दूर कर देते हैं भगवान। इसीलिए भगवान के शरण में जाना चाहिए, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भगवान के शरण में आइए, भगवान के नाम गाइए, अपने घर में रहिए, अपने परिवार में रहिए, अपने पत्नी बच्चों बेटी बेटा के साथ रहिए। ये नहीं कहा जा रहा है कि सब लोग घर छोड़ करके वृंदावन पहुंच जाओगे, नहीं, अपने खेती के लिए, अपने बच्चों के पत्नी के परिवार के रिश्तेदारों के बीच में रहिए, लेकिन नियम बनाइए कि हम जो खा रहे हैं वो भगवान को भोग लगाएंगे। हम चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, दूध पीते हैं, मिठाई खाते हैं, तो जो भी खाएंगे उसको भगवान को भोग लगाएंगे, नियम बनाना चाहिए, इन नियम में रखना चाहिए। बिना भोग लगाए हम कुछ भी नहीं खाएंगे। अगर आप बाजार में जाते हैं और भूख लगी है तो फल खरीद लीजिए, सेब खरीद लीजिए, थोड़ा पानी ले लीजिए, पानी से इस फल को धो लीजिए, और कंठी जैसे हम लोग पहने ऐसे कंठी पानी आप, और कंठी तुलसी का होता है, और इसमें अगर तुलसी पत्र नहीं अपने साथ में तो फल को लेकर के इसमें स्पर्श कर दीजिए,
ऐसे कहकर कहे हे भगवान, हे कृष्ण, हे भगवान राम, आप इसको स्वीकार कीजिए, और इतना कह करके फिर इसको खाइए, ये हो गया प्रसाद, ये प्रसाद हो गया। अब ये साधारण सेव नहीं रहा, अब यहां स्पर्श में कर दिया ना, ये क्या हो गया, प्रसाद हो गया, इसको भगवान खा चुके, भगवान को आप दिखा दिए, इसी से भगवान खुश हो जाएगा। और आप बाजार में गए, भूख लगी, सेव खरीदे, सीधा मुख में डालना चालू कर दिया, वो प्रसाद नहीं हुआ। आजकल लोग ऐसे ही करते हैं ना, जो कुछ मिलता है खाते हैं, दिन भर खाते हैं, लेकिन इतना कहने में कौन बहुत ज्यादा पैसा लग गया, आपका पैसा खर्च हुआ बताइए। भगवान के दिए हुए हवा को ले रहे हैं, उस समय नहीं कहते कि हम हवा नहीं लेंगे, उसका हवा है मैं नहीं लूंगा। भगवान बारिश करते हैं, उससे आप खेती उपजाते हैं, भगवान सूर्य आते हैं, उनके प्रकाश को आप लेते हैं, इस समय भी कहना चाहिए कि हम उनका नहीं लेंगे, हम अपने से सूर्य को उत्पन्न करेंगे, कहना चाहिए ना, हम सूर्य को अपने से उपजाएंगे, हम चंद्र को अपने घर में बनाएंगे, फैक्ट्री में तैयार करेंगे, कहना चाहिए ना। तो भगवान के दिए हुए प्रत्येक चीज का प्रयोग आप करेंगे, हवा लेंगे, पानी लेंगे, अग्नि लेंगे, लेकिन भगवान के नाम नहीं जपेंगे, भगवान को भोग नहीं लगाएंगे, भगवान को प्रणाम नहीं करेंगे, तो ये अच्छा चीज नहीं है, और यही नहीं करना पाप होता है, इसी को पाप कहते हैं। भगवान बनाए हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और जो भी समस्या हो भगवान से कहिए, कृष्ण से कहिए, आपके घर में कष्ट है, दुख है, विपत्ति है, या खूब संपत्ति आ रहा है, अगर खुशी भी हो रहा है तो भगवान से जाकर कहिए, प्रभु आपकी कृपा से बहुत धन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बीमारी भी है तो भगवान से जाकर के कहिए कि प्रभु ये जो संकट है आप इसको किसी तरह ठीक कीजिए ना, आप ही ठीक कर सकते हैं, गोविंद, हे माधव, हे मुरारी, आप ठीक कीजिए। यही भक्ति है, इसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति मतलब बहुत बड़ा मेहनत काम नहीं है, इसमें बहुत बड़ा काम नहीं है भक्ति, इसको केवल समझना है। जैसे हम लोग रोज खाते हैं, रोज नहाते हैं, ऐसा नहीं है कि जो भजन नहीं करते हैं वो लोग नहीं खाते हैं, भोजन नहीं बनाते हैं, जो भजन नहीं करते वो नहीं नहाते हैं, वो भी नहाते हैं, लेकिन थोड़ा विधि विधान है। वो लोग क्या करते हैं, जो भजन नहीं करने वाले वो पहले खा लेते हैं फिर नहाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं, उनको ये नियम मालूम ही नहीं है, उठे खाना चालू, जब मन करिए तब खाएंगे, जब मन करेगा तब नहाएंगे, जब मन करेगा तब सोएंगे, जब मन करेगा तब जग जाएंगे, नहीं, सबका विधि है, नियम बनाया गया है कि किस समय सोना चाहिए, किस समय जगना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसके साथ कैसे रहना चाहिए, ये सब सीखना चाहिए। तो नंद बाबा वसुदेव जी के बात को सुन करके सीधे गोविंद के शरण में गए, भगवान के शरण में गए, और उधर क्या हुआ कि कंस को जब पता चला कि मुझको मारने वाला और कहीं जन्म ले लिया है, तो अपने मंत्रियों के बीच में जाकर के बात कहा। मंत्री लोग कहे कि महाराज चिंता मत कीजिए, आप ब्रज में कहीं का आपका शत्रु जन्म ले लिया है ना, हम लोग प्रयास करते हैं उसको मारते हैं, और इतना कह करके एक बहुत बड़ा मीटिंग वे लोग बैठाए, बहुत बड़ा मीटिंग की, मीटिंग में बहुत राक्षस लोग जुटे, उसमें एक स्त्री भी गई थी जिसका नाम था पूतना, पूतना नाम के राक्षसी बैठी हुई थी उस मीटिंग में। तो पूतना कही कि चिंता मत कीजिए कंस महाराज, इस काम को मुझको करने दीजिए, मैं करूंगा,
कंस कहा कि तुम कैसे करोगे, तुम तो स्त्री हो। वो कहती है कि नहीं नहीं, इस काम को मैं करूंगी, मैं रूप बनाना जानती हूं, मैं सुंदर लक्ष्मी जैसा रूप बना करके ब्रज में जाऊंगी। और एक दिन से लेकर के एक बरस तक के जितने बच्चे हैं, और एक आजाद कहते हैं कि एक दिन से लेकर के 10 दिन तक जितने बच्चे हैं, उन सबको पकड़ करके मैं क्रमशः वध करूंगी, मारूंगी, उसमें आपका शत्रु भी मारा जाएगा। इसी को राक्षस कहते हैं, निरपराध जीवों का वध करना, यही तो राक्षसत्व है। अब बताइए बेचारा बकरा क्या गलती करते हैं? इस गांव में बकरा तो नहीं ना कटते हैं, हमको नहीं लग रहा है कि इस गांव में कोई बकरा खाता होगा। यहाँ के लोग सब साधु दिखाई दे रहे, सबके माथे पर तिलक दिखाई दे रहा है कि नहीं? सब लोग तिलक वाले हैं, यहाँ के लोग साधु हैं, ये लोग नहीं खाते। देखिए बकरा क्या गलती करता है, ध्यान देकर सुनो सभी लोग, विचार करना मैं क्या कह रहा हूं। बकरा का क्या दोष है, लेकिन उसको लोग काट देते हैं। कौन काटेगा किसी जीव को, कौन मारेगा? जो कसाई होगा, जिसके हृदय में दया नहीं है, वो बेचारा आपको घर में कभी कुछ गलती किया है क्या कि उसको वध करते हैं? क्या उसके बिना खाने के लिए अन्न भगवान नहीं दिया है? क्या फल नहीं दिया है? क्या बाजार में फल सब्जी अन्न नहीं है? तो हुआ क्या यहां पर कि ओ उतना कह के चिंता मत कीजिए, एक दिन से लेकर के 10 दिन तक या 1 साल तक के जितने बच्चे होंगे सबको पकड़ पकड़ करके मैं मारूंगा, उसमें आपका शत्रु भी मारा जाएगा। और यही सोच करके वो चली, और इधर भगवान 6 दिन के हो चुके हैं कृष्ण, लाला का जन्म हुए कितना दिन हो चुका है? 6 दिन। छठी महोत्सव मनाया जा रहा था, छठी महोत्सव। जसोदा जी सभी लोगों के लिए सुंदर भोजन बनाई है, भोजन चल रहा है उनके घर में, भगवान एक पालने में सोए हुए हैं। उसी समय पुतना नाम की राक्षसी गोकुल में प्रवेश की, और जब गोकुल में प्रवेश की तो भगवान ऐसे प्रेरणा दिए कि ब्रजवासी लोग बिना पूछे पुतना से कह रहे हैं कि देखिए यही रास्ता नंद भवन के लिए जा रहा है, तुम जाओ। सीधे वो नंद भवन में गई, और कन्हैया जब देखे कि पुतना आ रही है तो उसको देख करके भगवान अपना आंख बंद कर ले। तो एक आचार्य हुए हैं वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य कह रहे कि क्या भगवान पुतना को देख करके डर गए थे, आंख बंद कर लिए? कह रहे कि ना, भगवान डरे नहीं थे, भगवान विचार करने लगे कि ये राक्षसी अगर मैं आंख बंद नहीं करूंगा तो मुझको देख करके भयभीत हो जाएगी और मेरे सामने टिक नहीं सकती है, इसलिए भगवान अपने नेत्र को बंद कर लिया। दूसरा भाव है कि भगवान आंख बंद करके सोच रहे हैं कि अरे मेरा तो जन्म माखन खाने के लिए हुआ है, और सबसे पहले ये अपने स्तन में विष लगा करके आ रही, पुतना अपने स्तन में कालकूट नामक विष लगाई थी, वो इतना भयंकर विष था कि स्पर्श होते ही, ओष्ठ पर स्पर्श होते ही व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, इतना भयानक विष था। तो भगवान सोचने लगे कि भाई मैं तो माखन खाने के लिए आया हूं, विष पीने का अभ्यास शंकर जी का, तो मैं क्यों ना आंख बंद करके शंकर जी का ध्यान करूं, बोलाऊं कि आइए अपना विष पी लीजिए, मैं तो माखन और दूध पीऊंगा, इसलिए भगवान आंख बंद कर लिए। उसी समय पुतना गई और जा करके कन्हैया को उठा लिया, उठा करके अपने गोद में ली, 6 दिन के बालक कृष्ण को गोद में ले ली और अपने कंचुकी से अपने स्तन को निकाली और निकाल करके कृष्ण के मुख में डाल दिया।
और भगवान भी देख रहे हैं कि अच्छा तुम मुझको विष पिलाने के लिए आई हो, अभी मैं बताता हूँ। भगवान उसके दोनों स्तनों को अपने छोटे छोटे हाथों से दोनों स्तन को पकड़ लिए और पकड़ करके उसके प्राण को पीने लगे, प्राण। और जब प्राण निकलने लगा, व्यक्ति का प्राण निकलता है तो छटपटाने लगते हैं, तब वो पुनर्नाद होते हुए कहते हैं, सामुन चमुंचा लगती प्रभाषिणी निष्पीड्य माना खिल जीव मरमरी विवित्र नेत्रे चरणो भुजौ मुहु प्रश्वीन गात्रा क्षिपति रुरोदः। सा सा माने वो पुतना, कहते छोड़ दो छोड़ दो। कृष्ण से कह रहे कि छोड़ो छोड़ो, लेकिन भगवान छोड़ नहीं रहे हैं। भगवान कह रहे कि मौसी जी, जिसको मैं एक बार पकड़ लेता हूं उसको छोड़ता नहीं हूं। अब मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं, और छोड़ूंगा तब जब अपना बना लूंगा। अब आपको मैं छोड़ूंगा नहीं। वो अपने पैर को पटक रही है, हाथ को पटक रही है ऊपर नीचे, लेकिन भगवान छोड़ नहीं रहे हैं। पुतना लक्ष्मी का रूप धारण करके आई थी, लेकिन देखी कि अब तो मेरे प्राण को पीने लगा, तो राक्षसी रूप में होकर के आकाश में उड़ने लगे। भगवान कहे कि चलो, बिना पैसा वाला मुझको जहाज मिल गया। आराम से भगवान लगे गोकुल में घुमाने। उतना अपने इच्छा से नहीं उड़ रही है, कृष्ण जिधर चाहते हैं उधर उड़ रही है। और इस प्रकार उड़ाते हुए ब्रज में एक गांव है खेचरी, अब लोग देखे हैं खेचरी गांव है, वहीं ले जाकर के भगवान उसके शरीर को गिराए। क्योंकि चारों तरफ भगवान देखे कि किसानों का फसल लगा हुआ है, बेचारे जो किसान लोग हैं सीधे साधे भोले भाले साधु लोग हैं, तो भगवान सोचे कि इन लोगों के फसल को क्यों मैं नष्ट करूं। देख रहे थे कि कहां इसका शरीर गिराना थी, 18 किलोमीटर लंबा उसका शरीर था, बहुत विशाल शरीर वाली राक्षसी थी। तो भगवान देखे कि एक जगह बहुत फल फूल फसल लगा हुआ है, लेकिन वो फसल कंस का था। तो भगवान कहे कि हाँ, यही गिराना चाहिए, क्योंकि कंस बदमाश है, एक भी फल साधुओं के सेवा में नहीं ले जाता है, एक भी फूल जहां कथा होती है वहां नहीं ले जाता है, तो ऐसे फल फूल को नष्ट करना चाहिए। और भगवान ले जाकर के पुतना को वहीं पर गिरा दिए धड़ाम से। और जब पुतना गिरी तो 18 किलोमीटर में उसका शरीर था, उतना फसल बर्बाद हो गया। और भगवान मस्ती में खेल रहे, पुतना का शरीर बहुत विशाल था, उसके शरीर से सीढ़ी लगा करके नीचे उतारा गया कृष्ण को। कृष्ण को नीचे उतारने में बहुत प्रयास किया गया और उसके शरीर से श्री कृष्ण को नीचे उतारा गया। और इसके बाद में अब मैया यशोदा घबराते हुए सोचने लगी कि इस बालक को राक्षसी ने अपने गोद में उठाई थी, अपना दूध पिलाई थी, स्तन पिलाई थी, कहीं कुछ हो तो नहीं ना गया है। तो मैया यशोदा क्या की कि गाय के पूछ जो होता है, गो पूछ से कृष्ण को झाड़ा गया। पूछ से इस प्रकार उनको झाड़ा गया। और इसके बाद गाय का जो गोबर होता है, गाय का जो मूत्र होता है, और गाय जहां रहती है उसका जो रज मीठी होता है, उन तीनों को मिलाकर के कृष्ण के शरीर में लगा करके पहले तो स्नान कराया गया, और फिर कृष्ण को 12 जगह तिलक किया गया, जैसे हम लोग तिलक दिए हैं। ये तिलक ऐसे नहीं बस लगा दिया गया है, ये तिलक 12 जगह दिया जाता है, यहाँ 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 यहाँ
यहाँ यहाँ यहाँ यहाँ यहाँ यहाँ और यहाँ, और जो शेष बचता है उसको ऐसे कर लिया जाता है। तो प्रत्येक तिलक का नाम है, जैसे इस तिलक का नाम है केशव, ओम केशवाय नमः, भगवान केशव हमारे माथा की रक्षा करें। ओम नारायण नमः, जो नाभि से नीचे का भाग है वहां भगवान नारायण रक्षा करें, और नाभि और छाती के बीच में जो भाग है उसको भगवान गोविंद रक्षा करें। इस प्रकार भगवान के रक्षा के लिए भगवान के नाम का उच्चारण किया जा रहा है। इसी बात को गोस्वामी जी ने कहा है। क्या कहा है कि अगर कोई पूछे कि भगवान से बड़ा कौन है, तो सीधा कहना चाहिए कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। अरे कहाँ कहो लगी नाम बड़ाई, ये नाम इतना महत्वपूर्ण है, इतना बड़ा नाम है कि इस नाम के महिमा को राम भी नहीं कह सकते हैं। इतना महत्वपूर्ण, इतना बड़ा भगवान का नाम है कि इस नाम को कहाँ तक कहा जाए। कहाँ कहो लगी नाम बड़ाई, राम न सक ही नाम गुना गाई। इतना महत्वपूर्ण भगवान का पवित्र नाम है, इस नाम को गाते रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे
यशोदा, सभी लोग भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन किए और इसके बाद में ब्राह्मण साधुओं को बुलाए, स्वस्ति वाचन करवाए कि बेटा को कुछ हो तो नहीं न गया है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, भगवान को अच्छा लग रहा है। साधुओं को खिलाया जा रहा है, घर में बुला करके ब्राह्मणों को दान दिया जा रहा है। भगवान को बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है साधु सेवा को देकर। इसके बाद अब आगे की लीला सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। धीरे धीरे सुखदेव गोस्वामी अब आगे बढ़ रहे हैं, भगवान भी थोड़ा बड़े होते जा रहे हैं और धीरे धीरे करके भगवान श्री कृष्ण 3 महीना के हो गए। और जब भगवान 3 महीना के हुए तो भगवान एक जगह सोए हुए थे, सोए हुए जगह से अपने आप घूम गए, जिसको करवट बदलना कहते हैं। जैसे बच्चों का जन्म होता है
तो जब छोटे होते हैं तो जहाँ सुला दीजिए वहीं सोए रहते हैं, लेकिन जब शरीर विकसित होने लगता है थोड़ा बड़े होते हैं तो बच्चे अपने आप एक जगह से दूसरे जगह घूम जाते हैं। तो भगवान एक जगह से दूसरे जगह जब घूमे थे तो 3 महीना के हो गए थे, तो उस दिन भी एक उत्सव किया गया, भंडारा किया गया, बहुत पकवान बनाया गया था। इतना पकवान बना था कि कुछ पकवान बैलगाड़ी पर रख दिया गया था, दूध दही घी खीर मिठाई, और भगवान को उस बैलगाड़ी के नीचे सुला दिया गया था। तो भगवान सोच रहा है कि मेरे लिए उत्सव हो रहा है और मुझको ही इस संकट के नीचे सुलाया गया है, और वहां पर एक असुर आया था भगवान को मारने के लिए। भगवान देख लिए थे कि मुझको मारना चाहता है, तो भगवान बैल अपने पैर को ऊपर नीचे ऐसे करते करते थोड़ा जोर से पैर को मारे, और जब ही पैर का प्रहार किए पदाक्षेप, वो बैलागाड़ी जो था उलट गया, सकट उलट गया, और उस पर जितने दूध दही घी थे वो तो नीचे गिरा ही, वो असुर भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस असुर का नाम था सकटासुर, देह से रहित रहता था, उसका देह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता था। तो उस असुर का वध भगवान कृष्ण ने 3 महीना की अवस्था में किया। अब फिर आगे का लीला सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि धीरे धीरे भगवान अब 1 बरस के हो गए हैं साल भर का। एक दिन मैया यशोदा भगवान कृष्ण को अपने गोद में ली हुई थी, तब तक भगवान इतने भारी हो गए, भगवान का इतना वजन हो गया, भार हुआ कि मैया कृष्ण के भार को सह नहीं पाई और कृष्ण को अपने गोद से नीचे रख दी। और जब नीचे रखी उसी समय एक असुर आया जिसका नाम था तृणावर्त, वो बवंडर के रूप में था, तूफान आंधी हवा के रूप में, इतने जोर से हवा बहना चालू हुआ तूफान कि कोई एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहा है, और कृष्ण को उड़ा करके वो आकाश में ले जाने लगा। जब आकाश में लेकर के जा रहा था उड़ाते हुए, तो भगवान समझ गए कि कोई हवा नहीं है, कोई बवंडर नहीं है, कोई तूफान नहीं है, यह असुर ही हवा का रूप धारण करके आया है। भगवान कृष्ण उसके गले को कंठ को इस प्रकार जोर से पकड़े और वो आकाश में उड़ाते हुए जा रहा था, भगवान कृष्ण थोड़ा जोर से उसके कंठ को दबाए, वो धाम से वो आकाश से नीचे पत्थर पर गिरा, और पत्थर पर गिरते ही वो पत्थर चूर्ण चूर्ण हो गया, पाउडर हो गया, और असुर भी चूर्ण हो गया, उसका भी पता नहीं चला। ब्रजवासी लोग देखे कि आंधी के रूप में बहुत बड़ा बवंडर तूफान आया था, कुछ देर के बाद दौड़ते हुए गए तो देखे कि कृष्ण वहां नहीं है। अब हाय 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 कहां गया कृष्ण, आगे जाकर देखे कि वो एक पत्थर और असुर गिर करके मृत्यु को प्राप्त हो गया, भगवान मस्ती में वहीं पर। मैया यशोदा घबरा गई कि हो क्या रहा है। पुनः साधु ब्राह्मणों को बुलाया गया और वहां पर जितने लोग हैं कहते हैं कि देखिए इस बालक को मारने के लिए वो राक्षस आया था, लेकिन इस बालक को कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि वो अपने पाप के कारण वह स्वयं समाप्त हो गया। दूसरे व्यक्ति को कोई क्या बिगाड़ेगा, उसका पाप उसी को नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। देखिए इस बालक को मारने के लिए असुर आया था, लेकिन वो कुछ बिगाड़ नहीं पाया, उल्टे वो खुद समाप्त हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। साधु भयत्वेन
साधु समत्वे न भया विमुच्यते, साधु अपने समता से अपने आचरण से बड़े भय से मुक्त हो जाते हैं, और दुष्ट लोग अपने पाप के कारण नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, जल जाते हैं। विचार कीजिए आप लोग कि कृष्ण को मारने के लिए कितने असुरों को दुष्ट कंस भेज रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा, क्योंकि कृष्ण कोई साधारण बच्चे नहीं है। हमको तो यही आश्चर्य होता है कि कैसे तो कह देते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है। जो कहता है वो कभी जीवन में पढ़ा है कि नहीं, भागवत सुना है कि नहीं, भगवान किसको कहते हैं बताओ। देखो कितना छोटा बच्चा और बड़े बड़े असुरों का संहार कर रहे हैं, मार रहे हैं, धीरे धीरे करके अब उसी भगवान का नामकरण करने के लिए वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को भेजा, और गर्गाचार्य जी आकर के नंद भवन में आए, नंद बाबा गर्गाचार्य को देख करके बहुत प्रसन्न हुए हैं, बहुत खुश हुए, और खुश होकर के वो क्या किए, गर्गाचार्य जी को पहले देखे तो बैठने के लिए सुंदर आसन दिए नंद बाबा। नंद बाबा एक बहुत बड़े राजा हैं, और एक ब्राह्मण को देख करके प्रसन्न हुए, खुश हुए, बैठने के लिए आसन दिए, उनको प्रणाम किए, खूब सुंदर वस्तु उनको खिला रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति साधुओं की सेवा करता है, ब्राह्मणों की सेवा करता है, उत्तम से उत्तम वस्तु उनको देता है, खिलाता है, तो उस व्यक्ति को जीवन में कभी किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती है। लेकिन जो कंजूसड़े लोग होते हैं वो नहीं देते, वो नहीं करते, लेकिन कुछ लोग साधुओं की महिमा समझते हैं। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये लोगों का व्यवहार, ये जो कथा करा रहे हैं, इनके चारों लड़के बहुत अच्छे थे। मैं आपस में चर्चा कर रहा था कि गाँव में मंच से कहने में कोई मुझको दिक्कत नहीं है, मैं कहा कि इस गर्मी के दिन में इतना सुंदर ढंग से प्रसाद बना रहे हैं, प्रेम से खिला रहे हैं, बीच बीच में जाकर के पूछ रहे हैं, यही साधुओं की ऐसे ही सेवा होनी चाहिए। मैं सोच रहा था कि गांव में हम लोग जा रहे हैं, हम लोग कथा करते हैं, आप लोगों को बार बार बताना पड़ता है कि ये तो प्रेम के चलते मैं यहाँ कथा करने आ गया, सत्यनारायण प्रभु का प्रेम है मेरे प्रति, और मुझको फोन किए तो मैं एक बार में ही स्वीकार कर लिया। इस कथा के लिए मैं दूसरे को भेज रहा था, कथा करने के लिए मैं दूसरे को कह रहा था कि इनको ले जाइए। आप लोग जिझौल में देखे हैं कथा मैं किया हूँ, कितना बड़ा प्रोग्राम हुआ है, जो गए होंगे वो देखे होंगे। तो मैं कहा कि मेरे पास समय नहीं है प्रभु जी, मैं दूसरे को भेज देता हूँ। प्रभु जी कहे कि नहीं महाराज जी, अगर आप आ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं कहा कब कराना है, एक तो और एक डेट मांग रहे थे, उसको तो मैं मना कर दिया। तो जब ये डेट बताए तो मैं कहा कि देखता हूँ, तो मैं कह दिया कि चलिए जब आप कह रहे हैं तो मैं हाँ आता हूँ, कोई बात नहीं। हमको बोले थे कि तीन आदमी आप लोग आइएगा, मैं फिर भी चार आदमी आया, कहा कि चलो थोड़ा अच्छा से हम लोग प्रोग्राम करेंगे। आया, एकदम मेरे पास समय नहीं था कथा का। देखिए यहाँ से जाते यहाँ बंद करूंगा, दूसरे दिन से फिर मुझे बंगाल में कथा कहानी। तो मैं जब यहाँ आया, गांव में देख ही रहे हैं, लेकिन हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग का इतना अच्छा व्यवहार है, बेचारे इतने समय से खिलाते हैं, पिलाते हैं, ध्यान देते हैं, यही साधुओं का सेवा करने का यही तरीका है। ये नहीं कि अपने तो खूब आइटम खाओ, अपने तो अच्छा से रहो, और साधु महात्माओं को समझो कि लोग फालतू लोग हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। भगवान ये लोग पर खुश हैं। यहाँ आने से पहले प्रभु जी फोन के भी महाराज जी बारिश हो रही है, मैं कह रहे कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, सब ठीक हो जाएगा, आप मत घबराइए।
देखिए कितना सुंदर कथा हो रही है, अब इससे अच्छा होती है बताइए। हम लोग आराम से कथा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ा सा गर्मी का दिन है तो गर्मी तो लगेगा ही, और गर्मी में गर्मी ना लगे तो फिर गर्मी का मतलब क्या रहा। इसी हीटर के लिए, इसी गर्मी के लिए जाड़ा में हम लोग कितना हीटर जलाते हैं। इस समय भगवान की व्यवस्था दी है कि थोड़ा सा गर्म का अनुभव करो, तो थोड़ा सा तो सहना भी पड़ता है आप लोगों को भी, हम लोगों को भी, सबको सहना पड़ेगा। भगवान की भक्ति है, गोविंद को पाने के लिए थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, भगवान को प्राप्त करना है तो थोड़ा बीच बीच में कष्ट भी सहना चाहिए। मैं केवल इस बात पर बोलने लगा कि गंगाचार्य जी जब नंद बाबा के यहाँ पहुंचे तो नंद बाबा बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए कि बहुत अच्छा है आप आए, और उनको बहुत सुंदर ढंग से सेवा किए, खूब खिलाए पिलाए, चरण धोए, उनकी पूजा किए। इसके बाद हाथ जोड़ करके कहते हैं कि महाराज आप हमारे घर आए हैं तो हमारे दो बच्चे हैं, इन दोनों बच्चों का नामकरण कर दीजिए, आप नाम रख दीजिए हमारे बच्चों का। बच्चे अगर घर में जन्म लेते हैं तो उनका नाम अपने से नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना, साधु महात्मा ब्राह्मणों से नाम रखवाना चाहिए। आप हमारे बच्चों का नामकरण कीजिए। गंगाचार्य जी कहे कि देखो भाई मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, मैं तो वसुदेव का गुरु हूं, अगर तुम्हारे बच्चा का नाम रखूंगा तो कौन से कहीं समझेगा कि अरे ये तो वसुदेव का लड़का है, तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। नंद बाबा हंसते हुए कहे कि पहले तो आप ये सुन लीजिए क्या ब्राह्मण है, और ब्राह्मण सबके गुरु होते हैं, जन्मना ब्राह्मणों गुरु। और दूसरी बात है कि जहां कंस जान जाएगा तो कंस नहीं जानेगा, गौशाला में चलते हैं नामकरण करवाते हैं, और गौशाला में ले गए और ले जा करके वहीं पर नामकरण किया गया एकांत में। गंगाचार्य जी बहुत सुंदर नाम रखे दोनों बच्चों का, नाम रखते हुए कहते हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्रो, यह रोहिणी का पुत्र है, रमयन सुहृदो गुण आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः, ये रोहिणी का पुत्र है, इसका एक नाम होगा रोहिणेय, लोगों को आनंद देगा इसलिए इसका एक नाम राम होगा, इसके बल बहुत ज्यादा होंगे इसलिए इसको बल भी कहेंगे बलराम। और जो सांवला सलोना बालक है इसके विषय में तो पूछो ही मत, प्रागयम वसुदेवस्य, यह बालक पहले वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिया था, पहले मतलब 100 दिन पहले, लेकिन सुनने में लग रहा है कि इस जीवन से पहले, इसलिए इसका एक नाम होगा वासुदेव, वसुदेव के पुत्र होने से इसको वासुदेव कहेंगे। और देखो यह बहुत लीला करेगा, बहुनी संति नामानी, इसके बहुत नाम होंगे, एक दो नाम नहीं होंगे, जैसा जैसा लीला करेगा वैसे वैसे इसके नाम होंगे, गोवर्धन धारण करेगा इसलिए इसको गोवर्धन धारी कहेंगे, गिरवर धारी कहलाएगा, माखन चोरी करेगा माखन चोर कहलाएगा। और देखो नंद इस बालक की रक्षा ध्यान से करना, बड़ा महत्वपूर्ण बालक है, कोई साधारण बच्चा नहीं है। इतना कह करके गंगाचार्य जी वहां से चले गए, और जब चले गए तब भगवान श्याम सुंदर हमारे कन्हैया क्या करते हैं कि बड़े आनंद के साथ में वहां पर अब कृष्ण और बलराम दोनों बड़े आनंद के साथ में और आगे की लीला कर रहे हैं। और भगवान श्याम सुंदर बलराम जी दोनों भाई वहां पर विचरण कर रहे हैं, खेल रहे हैं, चल रहे हैं, भगवान के पैर में पायल है, पायजब है, तो उनके चलने से पायल आदि बज रहा है, तो उसको सुन करके भगवान को बहुत अच्छा लग रहा है।
जब चलते हैं तो उसमें से आवाज आता है तो पीछे मुड़ करके वो देख रहे हैं आवाज कहाँ से आ रहा है। जब रुक जाते हैं तो आवाज आना बंद हो जाता है और जब चलने लगते हैं तो फिर आवाज आता है। तो इस पर सूरदास जी ने एक छोटा सा पद लिखा है, भगवान चल रहे तो उनके आवाज कैसे आ रहे हैं। अरे लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे। रुदन झुन रुन झुन यशोदा चलना सिखा रही है। जैसे छोटे छोटे बच्चों को माता लोग सिखाती हैं चलाना, वैसे ही हमारे श्याम सुंदर बिल्कुल छोटे हैं, अब उनको चलना है ना तो कैसे सिखाया जाए। तो उनके अंगुली को पकड़ रही है मातू यशोदा चलना सिखावे, पीत झंगुलिया तन पर सोए, 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 सिर टोपी लटकनिया बाजे रे, लाला की बहनिया बाजे
के पाइजेब जो है जो पहने हुए हैं वो बज रहा है, बहुत सुंदर आवाज आ रहा है। और देखिए सूरदास जी क्या कहते हैं, भगवान के स्वरूप का वर्णन करेंगे, वो भगवान का शरीर कैसा है। तीन लोक जाके उधर बिराजे, तीन लोक जाके उधर बिराजे, तीन लोक जाके उधर बिराजे, तीन लोक जाके उधर बिराजे। जिनके उदर में, जिनके पेट में तीनों लोक विद्यमान है, नचावे ग्वालिनिया दादा की पहचनिया बाजे रे, दादा की पहचनिया बाजे रे, दादा की पहचनिया बाजे रे, दादा की पहचनिया बाजे रे। तीन लोक जाके उदर विराजे, संपूर्ण लोक जिन भगवान के उदर में है उस भगवान को मैया जसोदा जैसे चाह रही वैसे नचा रही है। वो भगवान नाच रहे हैं, चल रहे हैं, उनके उंगली पकड़ करके मैया जसोदा चला रही है। ये लीला नहीं तो और क्या कहा जा सकता है। भगवान इसी आनंद को लेने के लिए तो आए हैं इस संसार में। अब धीरे धीरे भगवान थोड़ा सा और बड़े हुए, और जब भगवान बड़े हुए तो क्या किए कि एक दिन की बात है, मैया जसोदा अपने लाला से बहुत प्रेम करती है, बहुत स्नेह करती है। मैया क्या की कि अपने पुत्र के लिए बहुत सुंदर सुंदर पकवान, खूब सुंदर मिठाई, लड़ुआ, पेड़ा, ब्रज में जो जो सुंदर सुंदर मिठाई पकवान होता है सारे पकवान भगवान के सामने रख दिए। लेकिन भगवान उन पकवान को देख करके प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है, ये नहीं कि बहुत खुश है। भगवान पकवान को देख करके मैया से कहने लगे, मैया से कहते कि वो मेरी मैया, मुझे पकवान अच्छा नहीं लग रहा है। मैया कही क्या तुमको अच्छा लगता है, तो भगवान बहुत सुंदर बात करे कि मैयारी मोही माखन भाव है, वो मैया मुझको माखन बहुत अच्छा लगता है। तुम पकवान की बात कह रही हो, जो मेवा पकवान कहती तू मोही रुचि नहीं आवे, मुझे मेवा पकवान लड़ुआ पेड़ा ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। मैयारी मोही माखन भाव है, मुझे माखन बहुत अच्छा लगता है। भगवान किससे बात करें, अपनी मैया से बात करें। ब्रज युवती एक पाछे ठाड़ी सुनत श्याम की बात, मन मन कहती कबहू अपने घर देखहू माखन खात। भगवान कृष्ण जसोदा जी से कह रहे हैं, लेकिन जसोदा और कृष्ण के संवाद को एक ब्रज की गोपी सुन रही थी, तो मन में विचार करे कि यह अवसर मुझे कब मिलेगा, मैं कब अपने घर में कन्हैया को माखन खाते हुए देखूंगा। तो भगवान है, ग्वालिन अपने मन में विचार कर रही है, भगवान समझ गए, कहे कि तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी तुम लोगों के यहाँ आऊंगा माखन खाने के लिए, देर नहीं लगाऊंगा, बहुत जल्दी आने वाला हूं। और भगवान वही किए, सबसे पहले तो भगवान अपने घर में चोरी करने के लिए गए माखन की चोरी, लेकिन मैया जसोदा उनको पकड़ लेती थी, बार बार प्रयास करते थे, दो तीन बार प्रयास किए लेकिन मैया जसोदा पकड़ लेती थी, जब भी चोरी करने जाते थे मैया पकड़ लेती थी। एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण क्या किए कि अपने घर में गए,
मैया जसोदा खूब सुंदर मटका में माखन जमा करके रखी थी, दही ढक्कन से ढक दी थी मटका को, और कृष्ण गए और जाकर के ढक्कन को नीचे गिरा दिए और उस मटका में अपने हाथ को डाल करके उसमें से माखन निकाल करके अपने मुख के पास लेकर के जेब ही थोड़ा खाने का प्रयास किए, उसी समय जसोदा जी आ गया। और जसोदा जी आकर कहे कि लाला तू क्या कर रहा है? तो भगवान कहते हैं कि ओ मैया, मैं तो यहाँ आया था, देखा कि इस मटके के ऊपर ढक्कन नहीं है, मैं ढक्कन रख रहा था। तो मैया कहे कि ढक्कन रख रहा था तो तुम्हारे हाथ में माखन कैसे लग गया? तो भगवान तो भगवान है, भगवान बोले कि मैया जब मैं ढक्कन रख रहा था तो देखा कि इसके भीतर एक मक्खी पड़ी हुई है, तो मैं उस मक्खी को निकाल रहा था, इसीलिए मैंने हाथ में माखन लग गया। तो जसोदा जी कही कि ठीक है, जब तुम मक्खी हटा रहे थे इसलिए हाथ में माखन लग गया, तो बेटा तुम्हारे मुख में माखन कैसे लगा है? भगवान कृष्ण कहते कि ओ मैया, जब मैं मक्खी को हटा रहा था उसी समय एक चींटी आकर के मेरे यहाँ काटने लगी, तो उस चींटी को ऐसे किया तब तक मेरे मुख में मक्खन लग गया। जसोदा जी कही कि बेटा तुम मक्खी भगा रहा था ना, चींटी हटा रहा था, तुम माखन खा रहा था। तुमको पता नहीं है हमारे घर का नियम है कि प्रतिदिन भगवान को भोग लगाया जाता है, तो इस माखन को जूठा कर दिया, वो कैसे लगेगा? कृष्ण मुस्कुरा रहे, कह रहे कि तुम जिसको भगवान कर रही हो ना, वो कोई दूसरा भगवान नहीं, मैं ही तो भगवान हूँ। आज तो मैं डायरेक्ट आकर के भोग लगा दिया, सब खाओ। लेकिन मैया को क्या मालूम है कि भगवान है, वो तो जानती है कि मेरा लाला है। भगवान विचार किए कि अरे घर में चोरी कर रहा हूँ, मैया पहचान रही है, पकड़ रही है, तो मैं अब अपने घर में चोरी नहीं करूंगा, गोपियों के घर में चोरी करूंगा। अब भगवान कृष्ण गोपियों के घर में जा जाकर के चोरी करने लगे, और गोपी जन आकर के उलाहना देती थी। गोपी लोग आकर के कहते थे कि ओ रामनंद रानी, ओ यशोदा जी, ओ मैया, तुम्हारा जो कन्हैया है वो हम लोगों के घर में आता है, मक्खन की चोरी करता है, मटका फोड़ता है, मक्खन फैलाता है, तुम अपने बच्चा को समझाती क्यों नहीं हो? तुम अपने लड़का को समझाया करो। जसोदा जी बार बार कहती हैं कि मेरा लड़का क्यों चोरी करेगा, तुम लोग झूठ बोल रही हो। भगवान कृष्ण भी आकर मैया के सामने कहते हैं कि मैया ये लोग झूठ बोल रही है, मेरे घर में किस चीज की कमी है कि मैं इन लोगों के घर में चोरी करूंगा? लेकिन भगवान प्राय गोपियों के घर में जाते ही थे, अकेले नहीं, कभी कभी ग्वाल बालों के साथ में भी जाते थे। तो मैया भी परेशान हो गई। मैया एक दिन गोपी से कही कि तू उलाहना देती हो, मैं कैसे मानूं कि मेरा बेटा तुम्हारे घर में चोरी करता है? तुम मेरे बेटा को चोर बना रही हो, लेकिन मैं कैसे मानूं? अगर वास्तव में मेरा बेटा चोरी करता है तो तुम पकड़ करके लाओ, तब मैं मानूंगी कि मेरा लड़का माखन की चोरी करता है, तब मैं मानूंगी। तो इतना सुन करके गोपी कही कि अच्छा, तुमको विश्वास नहीं है, ठीक है मैं पकड़ करके लाऊंगी। और एक दिन क्या हुआ कि भगवान चोरी कर रहे थे, चोरी कर रहे थे, तब तक गोपी गई और पीछे से पकड़ ली और पकड़ करके कही कि बेटा आज तो मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, बहुत काबिल बनते हो ना, और उनके हाथ को पकड़ ली और पकड़ करके गोपी आगे आगे चल रही है, भगवान पीछे, भगवान का हाथ ऐसे है और जा रही है, एक हाथ पकड़ी है,
और साथ में उस गोपी का एक लड़का था, वो भी कृष्ण के साथ जा रहा था, कृष्ण का मित्र था वो भी चोरी में जाता था हमेशा कृष्ण के साथ, अन्य घरों में जब चोरी करने जाते थे तो लड़का कह रहा कि आज बड़ा मजा आएगा जब तुम मारे जाओगे, जब तुम्हारा पिटाई होगी, तुम्हारी माँ जब तुमको पीटेगी तो मुझको बड़ा मजा आएगा। इतना सुन करके कृष्ण कहते हैं कि तुमको आनंद आएगा जब मैं पीटा जाऊंगा, तो आज के बाद अब तुमको कभी हम चोरी में नहीं ले जाएंगे अपने साथ। इतना सुनकर के लड़का दुखी हो गया, कहा कि नहीं कन्हैया मुझको तुम ले चलना, अब मैं ऐसा नहीं कहूंगा। तो भगवान कहे कि ऐसा नहीं करोगे और कहोगे तो मैं जैसा करता हूं ऐसा करना पड़ेगा। तो कहा कि ठीक है, दोनों इशारे में बात कर रहे हैं और गोपी खूब खुश होकर के चल रही, पीछे पीछे भगवान का हाथ पकड़िए चल रहा है। तो भगवान क्या कहते हैं, ओ गोपी तुमको थोड़ा भी दया नहीं आता है, कभी से मेरे हाथ को पकड़ी हो, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, इसको छोड़ो दूसरा हाथ पकड़ो। तो वो गोपी पीछे देख नहीं रही है, हाथ को छोड़कर दूसरा पकड़ना चाहिए, भगवान उसी के लड़के के हाथ पकड़ दिए और वो मस्ती में लेकर के जा रही है, समझ रही कि कृष्ण को पकड़ी गई। और जब नंद भवन में गई तो यशोदा से कहती है कि ओ नंद रानी तुम्हारे लाला के हाथ पकड़ करके मैं लाई हूं देख लो। यशोदा जी कहते कि तुम पहले देखो तो सही कौन है। और जब गोपी मुड़ करके देखती है तो कन्हैया नहीं उसी का लड़का है, और कृष्ण दूसरे रास्ते से भाग करके आकर के मैया के पीछे बैठ करके कहे कि देखो मैया देख रही हो ना, इसका लड़का चोरी करता है, चोर मुझको बनाती है, मैं क्यों चोरी करूंगा, मेरे घर में किस चीज की कमी है, मेरे घर में 9-9 लाख गाय, मैं क्यों चोरी करूंगा इसके घर में। अब इतना देख करके सुन करके गोपी उदास हो गई और वहां से जब अपने घर के लिए जाती है तो भगवान दूसरे मार्ग से भाग करके आते हैं और आकर के कहते हैं कि देख ली तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इस प्रकार भगवान गोपियों को आनंद देते थे। वास्तव में गोपियां चाहती थी कि कृष्ण हमारे घर में आए, उसी चाह को उसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने सब लीला की। माखन की चोरी बारंबार करे फिर भी तो राधा रानी प्यार करे, एक भजन भी उसमें है। तो हुआ क्या कि कन्हैया इस तरह चोरी करते थे, इन चोरियों को सुन सुनकर के मैया यशोदा एक दिन विचार की, मन ही मन सोचने लगी कि हो ना हो मेरा बेटा दूसरे के घरों में चोरी करने के लिए इसलिए जाता है क्योंकि मेरे घर का माखन मधुर नहीं लगता, मेरे घर में जो नौकरानी दासियां जो माखन बनाती है वो मधुर माखन नहीं बनाती है, आज मैं अपने बेटा के लिए स्वयं माखन बनाऊंगा। ये नौकरानी ये दासियों का उद्देश्य होता है केवल पैसा, हमारे बेटा के प्रति कोई प्रेम तो है नहीं। तो ये सोच करके यशोदा जी क्या की कि कृष्ण को सोए हुए अवस्था में छोड़ करके भोर में उठ गई, एकदा गृह दासी सु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ता सु निर्ममंथम स्वयं दधि। अन्य कामों में अन्य दासियों को लगा करके मैया यशोदा स्वयं माखन मथने के लिए जाती है, और जब मैया माखन मथ रही है तो चुपचाप माखन नहीं मथ रही है, भगवान के नाम का कीर्तन भी कर रही है, यानी यानी ही गीतानी तद बाल चरितानी च दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत। वो भगवान जो जो लीला किए हैं उन लीलाओं को स्मरण करते हुए, यानी यानी जो जो लीला किए हैं उन लीलाओं को स्मरण करते हुए गीत आदि गा रही है, अपने बालक के चरित्र को स्मरण करते हुए तद बाल चरितादि च, अपने बालक के चरित्र को स्मरण करते हुए गोपी यशोदा सुंदर भगवान के नाम का कीर्तन कर रही है और माथन को मथ रही है। यहाँ पर एक बहुत सुंदर शिक्षा है कि अपने घर का काम कीजिए, अपने घर में रोटी बनाइए,
झाड़ू लगाइए, खेतों में काम कीजिए, पशुओं को चारा खिलाइए। काम करना कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन काम करते रहिए और भगवान का नाम जपते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार यशोदा मैया भगवान के लिए माखन मत रही है। उसी समय भगवान जो सोए हुए थे जग गए, और जब जगे श्री कृष्ण तो देखे कि मैया नहीं है, तो मैया के पास गए, मखन मथने का जो आवाज आ रहा था वो सुन करके गए और जाकर के यशोदा जी के गोदी में बैठ गए। अब यशोदा जी बालक कृष्ण को दूध पिलाने लगे, और बगल में दूध मटका में रखी थी गर्म करने के लिए दूसरा दूध, वो दूध मटका में आग पर गर्म हो रहा था, वो दूध विचार करने लगा कि आज मैया इतने आनंद में होकर के अपने स्तन का दूध पिला रही है। जब मैया के स्तन के दूध कन्हैया पी लेंगे तो मुझे नहीं पिएंगे, इसलिए मैं जीवित रह करके क्या करूंगा, मुझे अपना आत्महत्या कर लेना चाहिए। इस जीवन की सार्थकता इसी में है कि भगवान का भजन कर लिया जाए, भगवान के सेवा में यह शरीर लगे, और मैं रह करके क्या करूंगा कि मुझे भगवान स्वीकार ही नहीं करेंगे। दूध सोच रहा है, देखिए आजकल के मनुष्य भी नहीं सोचते हैं, तो दूध यह सोच करके ऊपर आने लगा जलने के लिए। उसी समय मैया की दृष्टि दूध पर पड़ी, और जब ही दूध पर पड़ी तो मैया क्या की कि श्री कृष्ण को तुरंत अपने गोद से नीचे रह करके दूध बचाने के लिए गई। यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाजी बहुत सुंदर टीका लिखते हुए कहते हैं कि भगवान के सेवा के लिए भगवान को भी छोड़ा जा सकता है। साक्षात भगवान मैया के गोद में बैठ करके दूध पी रहे, लेकिन उस कृष्ण सेवा के लिए कृष्ण को भी छोड़ रही है मैया, और छोड़ करके भागते हुए जब दूध बचाने के लिए गई तो भगवान कृष्ण को क्रोध आ गया। कृष्ण सोचने लगे कि मुझसे ज्यादा प्रेम मैया दूध से कर रही है, इसलिए गुस्से में होकर के क्या किए कि एक पुराना मटका था, ददिया सास का मटका था जिसमें माखन भरा हुआ था, वहीं पर एक छोटा सा पत्थर था, सील लोढ़ा जिसको बोलते हैं, मसाला जिसे पीसा जाता है लोढ़ा बोलते हैं, उस छोटे पत्थर को लेकर के मटका को भगवान नीचे से उठा करके उसके पेंदी में ऐसे मार दिए, वो मटका फूट गया और मक्खन फैलने लगा। जब मक्खन फैलने लगा तब भगवान डर के मारे भागे, उनके चरणों में मक्खन का चिन्ह लग गया और चरण चिन्ह बनता गया, और दूसरे घरों में जाकर के बासी माखन खा रहे हैं, बंदरों को खिला रहे हैं, उखल पर बैठ करके चढ़ करके। इधर मैया जब दूध रह करके आई तो देखी कि मटका फूटा हुआ है, मक्खन फैला हुआ है, वो समझ गई कि ये काम मेरे बेटा का है। हाथ में डंडा लेकर के और कृष्ण को ढूंढने के लिए गई, और जब कृष्ण देखे कि मैया आ रही है तो कृष्ण देख करके भागने लगे। मैया कृष्ण के पीछे पीछे भाग रही है, कृष्ण भाग रहे हैं, मैया पीछे से भाग रही है। इस प्रकार सुबह से भागते भागते दो पहर हो गया, दो पहर में भगवान पकड़ में आ गए, और जब पकड़ में आए तो मैया अब श्री कृष्ण को बांधने के लिए रस्सी दी। उस समय भगवान बहुत जोर से रो दिए, इसलिए डंडा को फेंक दी मैया, और रस्सी लेकर के कृष्ण को बांधने के लिए चलती है। लेकिन भगवान कहे कि मैं इसके बंधन में आऊंगा नहीं, तो जब ही बांधने के लिए चलती है तो दो अंगुल रस्सी कम पड़ रहा है पहला राउंड में ही, ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि एक राउंड हो गया दूसरे में कम पड़ रहा है, नहीं, प्रथम राउंड में ही दो अंगुल रस्सी कम पड़ रहा है। फिर दूसरा रस्सी उसमें जोड़ करके बांधने का प्रयास करी कि फिर दो अंगुल कम। इस पर एक भजन दो लाइन का है, मेरे गुरु महाराज गाते थे, भोजपुरी में है, दो लाइन है, ज्यादा नहीं गाऊंगा। जसोदा जी कृष्ण को बांधने के लिए चल रही है, अरे जसोदा बांधे चलली कृष्ण के
ओखलिया में माया के रसरिया में जसोदा बांध कृष्ण के ओखलिया चल लिए कृष्ण के ओखलिया में माया के रसरिया में सदा बांधन चल लिए कृष्ण के ओखलिया में माया के रसरिया में यशोदा लाई यशोदा दौड़ दौड़ कर लाई यशोदा दौड़ दौड़ कर लाई यशोदा दौड़ दौड़ कर लाई रसिया खाती खाती जाए यशोदा दौड़ दौड़ कर लाई रसिया खाती खाती आयात नहीं खे मोठी भर कमरिया में माया के रसरिया में रसिया मोठी भर कमरिया में माया के रसरिया में रसिया मुट्ठी भर कमरिया में माया के रसरिया में रसिया आटन के मुट्ठी भर कमरिया में माया के रसरिया में यशोदा चल ले कृष्ण के पोखरिया में माया के रसरिया में यशोदा बांध चल ले कृष्ण के पोखरिया में माया के रसरिया में इस प्रकार यशोदा जी बार बार बांधने के लिए चल रही है और जब बांधने के लिए चली तो भगवान ने देख लिया। पहले तो दोनों में हट हुआ कि भगवान सोचे कि मैं बांधूंगा नहीं और यशोदा सोची कि मैं बांध करके ही मानूंगी। तो एक बिंदु जी हुए हैं, उन्होंने एक बहुत सुंदर भाव लिखा है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलता देखे। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलता देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्तों का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा। भगवान देख लिए कि मेरे भक्त मुझको बांधना चाहती है तो भगवान अपने नियम को बदल दिए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेमियों के बंधन में भगवान बंध जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि स्व मातु श्रीन गात्रायः विस्तृत कवर सृज दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपया सिद्ध स्वबंधने। भगवान अपने मां के परिश्रम को देखे दृष्ट्वा, दृष्ट्वा माने देखकर, परिश्रम स्व मातु अपने माता के परिश्रम को देखे कि मां के मुख पर पसीने आ गए हैं, मां थक चुकी है मुझको बांधने के लिए। देखिए भगवान देखते हैं। कोई कहता है कि भगवान का आंख नहीं है और यहां कहा जा रहा है कि दृष्टवा, दृष्टवा माने देखे।
तो जिसका आंख ही नहीं होगा वो कैसे देखेगा, बताइए आप लोग। लोग कहते हैं कि भगवान निराकार है, तो निराकार का तो आंख होता नहीं है, और यहां भगवान का आंख है, भगवान देख रहे हैं, है कि नहीं, भगवान देख रहे हैं। दृष्टवा, क्या देखे कि मैया यशोदा सुबह से लेकर के शाम हो गया है भाग रही है, उसके मुख पर पसीने पसीने आए हुए हैं, तो उसको देख करके दृष्टवा परिश्रमम कृष्णः कृपया सिद्ध स्वबंधने, कृपा पूर्वक बंधन को स्वीकार कर लिए। भगवान बंधन में आ गए, भगवान बंध गए, शाम को भगवान बंधे थे, इसीलिए अपने इस्कॉन मंदिर में शाम को दामोदराष्टकम गाया जाता है। कार्तिक के महीने में भगवान बंधे थे, इसलिए उस महीना का नाम ही हो गया दामोदर मास। दाम कहते हैं रसी को, उदर कहते हैं पेट को, भगवान के पेट में रसी से बांधा गया था, इसलिए उनका नाम हो गया दामोदर, और मास माने कार्तिक महीना में बंधे थे, इसलिए कार्तिक महीना को दामोदर महीना कहा जाता है। तो भगवान बंधन में आ गया, वही भगवान जब बंधन में आ गए तो भगवान बंधे हुए हैं, कहां बंधे हुए हैं, उखल में, और यशोदा जी बांध करके घर के काम करने के लिए चली गई। उस समय जब बंधन हो रहा था तब बलराम जी नहीं थे, लेकिन कुछ देर के बाद बलराम जी आए, तो बलराम जी देख रहे हैं कि उनके भाई कृष्ण उखल में बंधे हुए हैं, और बलराम जी को जब ही श्री कृष्ण देखे तो जोर जोर से रोने लगे। बलराम जी कहते भैया कृष्ण क्यों रो रहे हो, भैया मैं बंधन में आ गया हूं, मुझको खुलवा दो। तो बलराम जी कहे कि ठीक है रुको मैं अभी खोलता हूं, लेकिन जब आगे बढ़े खोलने के लिए तो बलराम जी का दिमाग काम किया, कहे कि अच्छा ये बताओ तुमको बांधा कौन है, तो कृष्ण कहे कि मैया बांधी है। तो बलराम जी कहे कि रुको रुको मैं नहीं खोलूंगा, मैं जाता हूं मैया को कहता हूं खोलने के लिए। और बलराम जी गए मैया के पास, मैया यशोदा उस समय काम कर रही थी, तो बलराम जी गए और जाकर कहते ओ मैया, तो यशोदा जी के हाँ बेटा बोलो बलदाऊ, तो मैया कान्हा को कौन बांधा है, तो मैया कही कि मैं बांधी हूं बेटा, तो मैया उसको खोल दो। देखिए बेटा का अधिकार कितना होता है मैया पर, बलराम जी कहते खोल दो, तो मैया कहते कि बेटा मैं नहीं खोलूंगा बहुत बदमाश हो गया है, जानते हुए कितना गलती करता है, अपने घर तो बदमाशी करता था कोई बात नहीं, दूसरे के घरों में जाकर के चोरी करता था, मटका फोड़ता है, रोज शिकायत मेरे सामने आता रहता है, आज मैं नहीं खोलूंगी। तो बलराम जी कहे अरे मैया क्या हो गया, काहे को यशोदा मैया बांधे है ही हो कन्हैया, मोहन हमारो भैया कति दधि खाए वो, अरे मैया मेरा मोहन भैया कितना दही खाया है, कितना मटका फोड़ा है, तुम खोल दो मैं ला करके मटका दही दे दूंगा। तो यशोदा जी कही अच्छा, मैया कही कि किसी भी अवस्था में आज मैं कृष्ण को खोलने वाली नहीं हूं। तो बलराम जी कहे कि मैया खोल दो, लेकिन मैया कहे कि मैं नहीं खोलूंगी, और बलराम जी को क्रोध आ गया। बलराम जी कहे कि ऐसे मानने वाली नहीं है, थोड़ा भय दिखाना चाहिए। तो बलराम जी कहे कि तुम जानती हो तुम जिसको बांधी हो कौन है, तो मैया कहे कौन है, मेरा बेटा है। तो बलराम जी कहते यही तो तुम नहीं जानती हो, ये तुम्हारा बेटा नहीं है। तो यशोदा जी कही तब ये किसका बेटा है, तुम इसी भ्रम में हो ना, ये तुम्हारा लड़का नहीं है, ये रावण को मारने वाला राम है, तुम नहीं जानती हो, बलि के धन को लेने वाला यह बामन है, यही हिरणकश्यपु को मारने वाला नरसिंह देव है, यही हिरणाक्ष का वध करने वाला वराह देव है, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। तो यशोदा जी कही अच्छा रावण को मारने वाला राम है, बलि के सारे धन को लेने वाला यह बामन है, हिरणकश्यपु
को मारने वाला यह नरसिंह है, तो बेटा तुम कौन हो? तो बलराम जी कहते, तुम मेरे विषय में जानना चाहती हो? मैं ही अनंत हूँ, मैं लक्ष्मण हूँ, मैं ही इस पृथ्वी को धारण करता हूँ, चाहूं तो एक मिनट में प्रलय हो जाएगा। तब तक यशोदा जी एक डंडा उठाई अपने हाथ में और डंडा लेकर के दौड़ी मारने के लिए, कही कि सारा अवतार केवल मेरे घर में हो रहा है और किसी का घर बाकी नहीं है। इतना सुनते ही बलराम जी भाग गए। बलराम जी बहुत तेजी से भागे कि कहीं मेरे पीठ पर डंडा न बैठ जाए। ओ बलराम जी भागे तो अब तेजी से भागे और यशोदा जी भी हंसने लगी डंडा फेंक करके, लेकिन ऐसे बच्चे हैं क्या मैं बताऊं, सारा अवतार मेरे घर में और किसी का घर बाकी नहीं बचा। ये वही लक्ष्मण है और ये राम है। और बलराम जी भागते भागते गए कृष्ण के पास और कृष्ण के पास जाकर कहते हैं कि तुम्हारे चक्कर में आज मेरे ऊपर भी डंडा बैठने वाला था। मैं बार बार कहता हूं कि तू चोरी मत करो, लेकिन तुम मानने वाले तो हो नहीं, इतना बढ़िया घर में व्यवस्था फिर भी चोरी करोगे तो बंधे रहो। तो बंधे रहो। तो कृष्ण अब मुस्कुरा दिए, देखे कि भैया भी हमारे लिए प्रयास किए लेकिन उनका प्रयास सफल नहीं हुआ। क्या भैया चिंता मत करो, मैं मुक्त अवस्था में तो मुक्त करता ही हूँ, आप देखो बंधन में कैसे मुक्त कर रहा हूँ। भगवान की दृष्टि अपने घर में दो पेड़ों पर पड़ी, नल कुंवर और मणिग्रीव जो यमुनार्जुन के वृक्ष बने हुए थे कुबेर के पुत्र। भगवान उखल को घसीटते हुए गए और दोनों वृक्ष के मध्य में प्रवेश किए और जब ही प्रवेश किए थराम से ऐसे खींचते हैं उखल, दोनों वृक्ष गिर गया और उसमें से दो सुंदर पुरुष निकले और दोनों भगवान कृष्ण के चरणों में स्तुति करके आकाश मार्ग में चले गए। महाराज परीक्षित पूछते हैं कि भगवान सुखदेव गोस्वामी से कि वो दोनों वृक्ष कौन थे? तब सुखदेव जी कहते हैं कि जानते हो वो दोनों वृक्ष कुबेर के लड़के थे, एक का नाम था नल कुंवर, दूसरे का नाम था मणिग्रीव। ये दोनों शंकर जी के अनुचर थे। एक बार पावनी मदिरा का पान करके गंगा जी के जल में अप्सराओं के साथ में विहार कर रहे थे, उसी मार्ग से नारद जी आए। नारद जी को देख करके स्त्रियां तो अपना कपड़ा पहन ली, लेकिन ये दोनों नंग धड़ंग खड़े हो गए सामने। नारद जी इन दोनों को श्राप दे दिए कि जाओ तुम दोनों वृक्ष ज्योति को प्राप्त हो जाओ। धन में इतने घमंड, वे दोनों रोने लगे। तब नारद जी ने कहा कि 100 वर्ष तक तुमको वृक्ष बनना पड़ेगा, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण आएंगे और उनके स्पर्श होते ही तुम दोनों का उद्धार होगा। तो वही दोनों नल कुंवर मणिग्रीव वृक्ष बने हुए थे और आज कृष्ण स्पर्श से उन दोनों का उद्धार हुआ और भगवान के चरणों में स्तुति करते हुए भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। और वे ही दोनों भगवान के चरणों में बहुत सुंदर स्तुति करते हुए कहे हैं कि बाणी गुणानु कथने श्रवण कथाया हस्तौ चकर्म सुमनास्तव पादयोर्नः स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवतनूनां। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां, वाणी की सार्थकता है भगवान के गुण वर्णन करना। ये वाणी मिला है केवल भगवान के विषय में गाने के लिए, जैसे हम लोग गा रहे हैं, तो वास्तव में यह जिह्वा सार्थक हो रहा है। इस जिह्वा से जब देखो तब भगवान के विषय में गाना चाहिए और जब हो सके तब भगवान के विषय में सुनते रहिए, इसी के लिए वाणी मिली हुई है। कान का फल क्या है? भगवान के विषय में सुनना। नेत्र का फल है भगवान के रूप का दर्शन करना। सिर का है भगवान के वैष्णवों के चरणों में प्रणाम करना, भगवान के मंदिर में प्रणाम करना। एक भजन गा दीजिए, इसके बाद में आगे की कथा करूंगा। और उसी समय नंद बाबा आए, इसके बाद अब थोड़ा ध्यान देकर के कथा सुनिए। भगवान
उखल बंधन से मुक्त हुए। इसके बाद एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण बच्चों के साथ में यमुना जी के किनारे खेल रहे थे। उस समय क्या हुआ कि एक असुर अपना रूप बदल करके बैठा हुआ था यमुना के किनारे, बगुले के रूप में। बगुला, बगुला मतलब समझ रहे हैं ना, वो बगुला के रूप में था और इसी प्रतीक्षा में था कि जब ही कृष्ण आएगा इसको मारूंगा। भगवान गए और भगवान जब गए तो भगवान को अपने भीतर ले लिया, लेकिन भगवान इतना जलने लगे, गर्म हो गए कि वो तुरंत अपने मुख से बाहर कर दिया। और कृष्ण ने क्या किया कि उसके दोनों ठोर को पकड़ करके और ऐसे करके बीचे बीच फाड़ दिए बगुला। वो कोई बगुला नहीं था, वो बकासुर था, पुतना का भाई था, अपने बहन के बदला लेने के लिए आया था। उसका पद भगवान कृष्ण कर दिए। वैसे ही एक और असुर था बत्सासुर, बछड़े के रूप में आया था कृष्ण को मारने के लिए, उसे भी भगवान वध कर दिए, मार दिए। एक दिन की बात है, बच्चे लोग सुबह में रोज आते थे, एक दिन बहुत जल्दी भगवान के साथ में सभी लोग गए जंगल में बछड़े चराने के लिए। कलेवा लेकर के अपने घर से गए थे, अपने घर से बाल भोग लेकर के गए थे और जंगल में एक असुर अजगर के रूप में बैठा हुआ था जिसका नाम था अघासुर। वो बकासुर और बकी, पुतना, पुतना और बकासुर का भाई था, छोटा भाई, उसका नाम था अघासुर। वो अजगर के रूप में था, वो इस प्रतीक्षा में था कि जितने लोग आएंगे सबको अपने भीतर लेकर के कृष्ण को मारूंगा। तो सब लोग उसके पेट में चले गए। देखते देखते जब भगवान कृष्ण उसके पेट में प्रवेश किए और अपने शरीर को ऐसे फैलाने लगे कि उसका शरीर एयर टाइट कस गया, और जैसे ज्यादा हवा भरने से ट्यूब फट जाता है वैसे उसका शरीर ही ऐसा फटा कि बहुत जोर से आवाज हुआ। वो आवाज बहुत दूर तक गया। जब उसका वध कर दिए भगवान, इसके बाद सब बच्चे मिल करके जंगल में बैठ करके वन भोज कर रहे थे, भोजन कर रहे थे आपस में। तो चारों तरफ से ग्वाल वाल बैठे हुए हैं, बीच में कृष्ण बैठे हुए हैं। सभी लोग अपने अपने घर से कुछ न कुछ ले करके गए थे, कोई लड्डू ले गया है, कोई बर्फी ले गया है, कोई चूरमा ले गया है, कोई माखन ले गया है, कोई रसगुल्ला ले गया है। ये कोई जरूरी नहीं कि जो ले गए हैं उन्हीं को खाने को मिलेगा, सब ले जाकर के भगवान के सामने रख देते थे और भगवान सबको अलग अलग देते थे। तो मान ले कि एक रसगुल्ला है और उसको भगवान किसी बच्चे को दिए, वो अपने मुख में लिया तो काट गरीब तो नहीं आई, तो बड़ा स्वादिष्ट मिठाई है। तो भगवान कहते हैं कि दो, तो कहता है कि वो तो एक ही पीस था, वो तो मेरे मुख में आ गया है। तो भगवान कहते थे कोई बात नहीं, उसी को दो। तो कहा नहीं, तो भगवान क्या करते थे कि उसके गला को पकड़ करके कहते देगा कि नहीं, और जब ऐसे पकड़ते थे और अपना मुख उसके मुख में ऐसे करते थे, वो अपने भीतर का मिठाई उनके मुख में दे देता था। उसी समय ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी जब देखे तो ये कैसा भगवान है, ये जूठा खा रहा है, ये भगवान थोड़े होगा। आज के जैसे लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है, वैसे ही। तो भगवान के परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने क्या किया कि उस समय बछड़े चल रहे थे, उन बछड़ों को छिपा दिए। बच्चों की दृष्टि गई बछड़ों पर कि कन्हैया बछड़े दिखाई नहीं दे रहे, तो भगवान कहे कि कोई बात नहीं, तुम लोग यहाँ भोजन करो, मैं देखता हूं। और उस समय भगवान के हाथ में दही भात है और अंगुलियों में अचार है, पांच प्रकार का अचार है, अदरक का, नींबू का, आंवला का, कटहल का और टेटी का।
ऐसे अचार लिए हुए है भगवान, और दही बात कह रहे अचार को ऐसे खाते हुए और बछड़ों को देखने के लिए गए। तब तक ब्रह्मा जी क्या किए कि ब्रह्मा जी आए और आ करके ब्रह्मा जी उन बच्चों को भी छिपा दिए। जब बच्चों को छिपा दिए, जब भगवान उधर से खोजते हुए आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि बच्चे भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, बछड़े भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कहां गए, बछड़े भी नहीं हैं, बच्चे भी नहीं हैं। तब वे तुरंत समझ गए, उनको समझने में देर नहीं लगा, वे समझ गए कि ये सारा करतूत ब्रह्मा का है। तो भगवान स्वयं जैसे बछड़े थे वैसे बछड़े, जैसे बच्चे थे वैसे बच्चे, जो जैसा कपड़ा पहना था, जैसा छड़ी लिया था, जिसकी जैसी लंबाई थी, जैसे मोटाई थी, जैसा स्वभाव था, वैसा स्वयं भगवान ही बन गए। और उस दिन जब आए भगवान ही अपने को चला रहे हैं, भगवान ही अपने साथ खेल रहे हैं, और जब आए तो सारी गायें अपने अपने बच्चों से प्रेम कर रही हैं, सारी गोपियां अपने अपने पुत्रों से प्रेम कर रही है, लग रहा है कि कृष्ण, और कृष्ण के पास कोई नहीं जा रही है क्योंकि सब कृष्ण ही बने हुए हैं। यहाँ पर वर्णन है कि यावत वत्स पवत्स कल्प कवपुर यावत करांग्राधिकम यावत यष्टि विशाल वेणु दलसे यावत विभो सांबरम यावत छील गुणाभिधाकृति बयो यावत बिहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरोंग वदजः सर्वस्वरूपो वभव। कहने की जिसका जैसा स्वभाव है, जिसका जैसा रूप है, जो जैसा लंबा छोटा, वैसे रूप धारण कर लिए भगवान, और यह लीला एक दिन तक नहीं एक साल तक करते रहे, किसी को पता नहीं चला। अब केवल एक साल पूरा होने में दो तीन दिन बाकी था। एक दिन बलराम जी देखे कि हो क्या रहा है कि गोवर्धन के तलहटी में गोप लोग गाय चराते हुए गए थे और तब तक बछड़े नीचे थे और गाय ऊपर थी गिरा जी के ऊपर, और जब ही देखी तो वे लोग छलांग लगाते हुए गाय दौड़ते हुए आने लगे अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए। बलराम जी देखे कहे कि कृष्ण ये क्या हो रहा है, ऐसे तो कभी नहीं होता था, बात क्या है। तब कृष्ण कहे कि भैया शांत रहिए, सब मैं ही हूं, ये बात किसी को मत बताना। अच्छा ये चल रहा है। इसके बाद ब्रह्मा जी जो छिपाए हुए थे, ब्रह्मा जी को भी लगा कि चलो देखता हूँ वो सब क्या करे इस समय। और जब ब्रह्मा जी आए तो देख रहे हैं कि सब मस्ती में बच्चे खेल रहे हैं, बछड़े चल रहे हैं, तो ब्रह्मा जी को लगा कि जो मैं छिपाया था वही नहीं ना गए हैं, जाकर देखते हैं तो वो तो वहीं छिपे हुए हैं, फिर बाहर आकर देखते हैं तो उसी मस्ती में, कभी ब्रह्मा जी गुफा में जा रहे हैं कभी बाहर आ रहे हैं। तब तक जो बाहर वाले थे वो देख रहे हैं कि कृष्ण रूप में सब दिखाई देने लगे ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी कृष्ण के चरणों में आकर के गिर करके रोने लगे, कहे कि प्रभु आप क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा गलती हुआ है, मैं नहीं समझ पाया, मैं आपको एक साधारण बच्चा समझा, लेकिन आप कोई साधारण बच्चे नहीं, आप अखंड ब्रह्मांड के नायक अकारण करुणा परालय परात्पर परमात्मा, आप स्वयं श्री कृष्ण हैं, सभी जीवों के हृदय में निवास करने वाले आप ही हैं। और ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर स्तुति किया, नौमिद्य तीव्र वपुषत निदम्बराय गुंजावतम सपरिपेक्ष लसन मुखाय, बहुत सुंदर यह सब स्तुति है, एक एक प्रसंग सत्सत दिन का विषय है। तो ब्रह्मा जी स्तुति किए और स्तुति करने के बाद में भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए चले गए। अब इधर भगवान उन बछड़ों के साथ में अब आए, तो वे लोग जो पहले वाले बछड़े और पहले वाले ग्वाल बाल थे वही हैं।
अब ऐसा प्रेम नहीं हो रहा है जो कृष्ण के साथ हुआ था। और उसी समय ब्रह्मा जी ने जो एक साल के लिए बच्चे बने थे उसी समय जितनी लड़कियां उस समय से आनी थी सबका विवाह करा दिए थे। तो उस समय जिस दिन का विवाह हुआ था समझो कि कृष्ण के साथ ही हुआ था। ये बहुत रहस्यमय कथा है। इसके बाद में आगे की कथा है कि एक कालिये नाम का नाग रहता था वृंदावन के जमुना जल में। उसके चलते जमुना का जल दूषित हो गया था। उसके ऊपर से कोई पक्षी भी उड़ करके जाते थे तो वह झुलस जाते थे। भगवान ने जमुना के जल में प्रवेश करके कालिये नाग का मान मर्दन किया और उसको वृंदावन से रमणक द्वीप भेज दिए जहां का रहने वाला था। एक असुर था धेनुकासुर, गदहा के रूप में रहता था। उसके कारण कोई भी ब्रजवासी ताल वन में नहीं जा पाते थे। वहां ताल का वृक्ष लगा हुआ था, बहुत सुंदर सुंदर फल थे लेकिन कोई नहीं जाते थे। तो सभी लोग भगवान से प्रार्थना किए। वहां बलराम और कृष्ण दोनों गए लेकिन बलराम जी ने उसका वध किया धेनुकासुर का। एक दिन की बात है, बच्चे भांडीर भट्ट के तरफ गए हुए थे, वहां आपस में खेल रहे थे। वहां खेल चल रहा था कि जो जीतेगा वो जो हारेगा उसके पीठ पर चढ़ करके जाएंगे, भांडीर भट्ट के पास तक उसको ले जाना पड़ेगा। उसी समय एक असुर आया जिसका नाम था प्रलम्बासुर। प्रलम्बासुर कृष्ण के तरफ हो गया। कृष्ण और बलराम दो झुंड बनते थे, दो ग्रुप में लीला चलता था। तो बलराम जी से वो हार गया और बलराम जी को अपने पीठ पर लेकर के जाने लगा, लेकिन जो निश्चित स्थान बताया गया था वहां से आगे जब बढ़ने लगा तो बलराम जी समझ गए कि एक कोई ग्वाल बाल नहीं है तो असुर है। और बलराम जी ने उसका वध किया जिसका नाम था प्रलम्बासुर। वहीं पर एक बार गऊएं चल रही थी तब तक आग लग गया और दबाना लगने के कारण गाय चिल्लाने लगी। भगवान उस आग का पान कर गए, आग पी गए अपने गायों के लिए अपने भक्तों के लिए। इस तरह भगवान ने दवानल का पान किया। फिर वर्षा ऋतु शरद ऋतु का वर्णन करते हुए हेमंत ऋतु का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। कह रहे हैं कि एक बार की बात है ब्रज की छोटी छोटी गोपियां जिनका उम्र लगभग 4 साल 5 साल था, वे लड़कियां कात्यायनी व्रत कर रही थी, यमुना जी में स्नान करती थी, यमुना के किनारे बालू की मूर्ति बना करके और पूजा करती थी देवी की। और देवी से यही मांगती थी कि हे देवी अगर तुम खुश हो तो श्री कृष्ण हमें पति रूप में मिल जाए। देखिए आप लोग देवी की पूजा कर सकती हैं अथवा कर सकते हैं लेकिन देवी से भगवान के भक्ति मांगना चाहिए। ब्रज की स्त्रियां गोपियां सेवा करती थी लेकिन उनसे क्या मांगती थी, कात्यायनी महामाये महायोगी नेधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी जी अगर आप हमारे व्रत से हमारी पूजा से खुश हो तो आप हमें नंद के पुत्र से संबंध करा दो, हम नंद के पुत्र को अपना स्वामी मानती हैं। ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। जिन लड़कियों का अगर विवाह नहीं हो रहा है या लड़कियां चाहती हैं कि मुझको सुंदर पति मिले तो उसको इस श्लोक का 108 बार जप करना चाहिए। कात्यायनी महामाये महायोगी नेधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इतना जपेगी तो भगवान की कृपा से उस बच्ची को उस लड़कियों को सुंदर पति मिलेंगे। जिस प्रकार गोपियां इसी मंत्र का जप करती थी कि मुझे पति रूप में कृष्ण मिले, मैं पूजा जरूर देवी की कर रही हूं लेकिन अगर वास्तव में आप में सामर्थ्य है शक्ति है प्रसन्न हो तो मुझे कृष्ण मिलना चाहिए, मैं कृष्ण के लिए आपकी पूजा कर रही हूं।
तो इस तरह अगर कोई देवी देवता का पूजा करता है और उनसे भगवान की भक्ति मांगता है तो ठीक है, और देवी लोग और देवता लोग प्रसन्न होते हैं अगर कोई भगवान की भक्ति मांगता है तो। और सच पूछिए तो वास्तविक पुजारी उसी को कहा जाता है, देवी और देवता का पूजा करने वाले वास्तव में अगर पूजा करते हो तो वे लोग तो कृष्ण भक्ति ही देंगे, क्योंकि उनमें समर्थ ही नहीं है। जैसे आकाशात पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेवम नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति, जैसे आकाश से गिरा हुआ जल सभी नदियों का जल जो भी है वो सब जाकर के समुद्र में मिल जाता है, वैसे आप देवी देवता किसी का पूजा कीजिए उनमें सामर्थ्य नहीं है, वो सारे नमस्कार भगवान की तरफ भेज देते हैं, कहते हैं कि प्रभु आप देखिए। तो देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं अगर कोई पूजा करके उनसे कृष्ण भक्ति मांगता है, लेकिन जो नहीं जानते वो इस बात को नहीं समझते हैं। देवी देवता तो खुश होते हैं, लेकिन जो कम बुद्धि वाले हैं वो लोग नहीं समझ पाते हैं बेचारे। शंकर जी का सेवा करने वाला वास्तव में जो शंकर जी का पूजा करता है वो कृष्ण भक्त बन जाता है, क्योंकि शंकर जी वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है। भागवत में कहा गया है कि निम्नगा नाम था गंगा देवा नाम अच्युतो यथा वैष्णवा नाम था शंभु पुराणा नाम इदम महत, नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा जी है, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ शंकर जी हैं, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ विष्णु हैं, और जितने शास्त्र ग्रंथ पुराण हैं उन सब में श्रेष्ठ भागवतम है। तो गोपियां इस प्रकार सेवा की, लेकिन उन लोग से गलती क्या हो रहा था कि वस्त्र को बाहर निकाल करके स्नान कर रही थी, भगवान आए और उस वस्त्र का चोरी करके, चोरी क्या मतलब छिपा दिए कदम वृक्ष के ऊपर, फिर वे लोग प्रार्थना की तो भगवान उन वस्त्र को दिए और कहे कि आज से ऐसा गलती मत करना, जल में कभी भी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। इन शिक्षाओं को देते हुए भगवान वस्त्र देकर के आगे गए, बच्चों को बाल बालों को कहे कि देखो वृक्षों की महिमा बता रहे वृंदावन के, कहते कि देखो ये वृक्ष कितने भाग्यशाली है, ताव जन्म साफल्यम देहिना देहिशु प्राण अर्थ ही दिया वाचा स्वयं एवा चरित सदा, ये जो वृक्ष हैं दूसरे के लिए जीवन धारण करते हैं, इनका अपना कोई उद्देश्य नहीं होता, ये वृक्ष फलते हैं दूसरे के लिए, हवा करते हैं दूसरे के लिए, छाया देते हैं दूसरे के लिए, जब ये सूख जाते हैं तो ईंधन के काम में भी आते हैं दूसरे के लिए, इनका सारा जीवन और जीवन के बाद में भी दूसरे के उपकार के लिए आते, वैसे ही साधु लोग होते हैं, यह शरीर दूसरे को उपकार के लिए लगाना चाहिए। तो इन सब शिक्षाओं को देते हुए भगवान गाय चराते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तब तक बच्चे जो हैं कृष्ण बलराम से कहते हैं कि हे कृष्ण हे बलराम, आप लोग बहुत असुरों से हमारी रक्षा किए, लेकिन एक असुर और हम लोगों को सता रहा है। तो भगवान कहे वो कौन असुर है, तो बच्चे कहीं हम लोगों को बहुत जोर से भूख लगी है, भूख भी एक शत्रु है उससे रक्षा के लिए। तो भगवान हंसने लगे, कहे कि यहाँ बगल में पंडित जी लोग यज्ञ कर रहे हैं, जाओ वहां से मांग करके लाओ। बच्चे गए पंडित जी लोगों के पास में, लेकिन वे लोग स्वाहा 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 में लगे हुए थे, बच्चों के कहने पर सुने नहीं, बेचारे निराश होकर के आ गए। कहे कि वे लोग तो सुने ही नहीं, भगवान कहे कि कोई बात नहीं, इस बार तुम लोग ब्राह्मण पत्नियों के पास में जाओ, क्योंकि ब्राह्मणों से ज्यादा भक्ति उनकी पत्नियों में है। बच्चे गए और ब्राह्मण पत्नियों को प्रणाम किए और कहे कि हे देवी, कृष्ण बलराम गाय चराते हुए यहाँ आए हुए हैं, उन लोगों को बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने पीने के लिए हो तो दे दो। इतना सुनते ही ब्राह्मण पत्नियां अपने घर से सुंदर पकवान सजा करके थाली में, खूब सुंदर सुंदर पकवान, और ले करके चल दी। ब्राह्मण लोग रोक रहे हैं लेकिन वे लोग नहीं माने। देखिए आज पति लोग रोक रहे हैं, लेकिन पति लोगों के रोकने पर भी पत्नियां रुकी नहीं, क्यों?
क्योंकि वे लोग कृष्ण भक्ति के लिए रोक रहे थे कि तुम लोग मत जाओ, कृष्ण के लिए रोक रहे थे। कृष्ण के पास वे लोग जाना चाहती हैं लेकिन वे रोक रहे हैं, तो वे लोग रुकी नहीं, अपने पति का त्याग करके आई और भगवान को बहुत सुंदर पकवान खिलाई। इसके बाद भगवान कहे कि तुम लोग जाओ, वे लोग नहीं जा रहे थे, कहे कि हमारे पति स्वीकार नहीं करेंगे। तीनों न पतय पितरऊ सुतावा न भ्रातृबंध सहिदान, हमारे पति हमें स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे सास ससुर स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान हंसने लगे, कहे कि तुम लोग को मालूम नहीं है मैं जिससे प्रेम करता हूँ सब स्वीकार करने लगते हैं, जाओ। और जब लौट करके आई तो उनके पति बहुत ज्यादा प्रेम करने लगे और अपने को धिकारने लगे कि हम लोग पढ़ लिख करके भी क्या किए कि कृष्ण की सेवा नहीं कर पाए, और तुम लोग बिना पढ़ी लिखी हो करके तुम लोग कितनी महान हो। धिक जन्म नाश त्रिवृत विद्या धिक प्रतम धिक बहुज्ञता, धिक्कार है इसे पढ़ाई की, धिक्कार है उच्च कुल में जन्म लेने की, धिक्कार है बड़े बड़े वेद जानने की, कि हम लोग ये सब जान करके भी भगवान के सेवा पूजा नहीं किया और तुम लोग बिना पढ़ी लिखी होकर के प्रभु की सेवा की, यही जीवन की सार्थकता है। पंडित जी लोगों को अफसोस हुआ और बाद में कहे कि हम लोगों को कब अवसर मिलेगा कि हम लोग भी कृष्ण का दर्शन करें, लेकिन फिर प्रसन्न होते हैं कि चलो कुछ भी हो हमारी पत्नियां तो भगवान की भक्त निकली, इस सोच करके अपने को धन्य मान रहे हैं। इस तरह भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर कृपा किया और धीरे धीरे अब प्रसंग आ गया गिरिराज प्रसंग। क्या हुआ कि एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण ब्रज में देख रहे हैं कि सब लोग तैयारी में लगे हुए हैं, सबके घर में तैयारी हो रही है, चावल एकत्रित किया जा रहा है, गेहूं एकत्रित किया जा रहा है, दूध दही घी जुटाया जा रहा है। भगवान पूछने लगे कि ये सब किसकी तैयारी हो रही है, ये क्या चल रहा है। भगवान सीधे नंद बाबा के पास गए और पूछे कि बाबा ये किसकी तैयारी हो रही है। तो बाबा कहते हैं कि देखो हम लोग साल में एक बार इंद्र की पूजा करते हैं क्योंकि इंद्र हम लोगों के भगवान हैं, इंद्र के कृपा से बारिश होती है और उसी बारिश होने से अन्न होता है, जिस अन्न को हम लोग खाते पीते हैं, हमारी गायें खाती हैं, दूध देती है, इसलिए इंद्र की पूजा करते हैं। साल भर इंद्र हम लोगों के लिए देते हैं तो एक दिन हम लोग भी इंद्र के लिए देते हैं, सेवा पूजा करते हैं। इतना सुन करके भगवान कृष्ण कहे कि पिताजी यही तो आप लोग नहीं जानते हैं, इंद्र भगवान नहीं है, इंद्र की पूजा आप लोग मत कीजिए, वास्तव में पूजा करने लायक कोई है तो गिरिराज जी है, गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन की पूजा कीजिए। गिरिराज जी के ऊपर सुंदर सुंदर घास है, सुंदर झरना है, सुंदर फल लगते हैं, जिन घासों को खा करके गायें दूध देती है, तो पिताजी हमारे समझ से इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए, गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए। और गिरिराज जी की पूजा करेंगे तो जानते हैं कौन कौन खुश होंगे, गिरिराज जी की पूजा से ब्राह्मण लोग खुश होंगे, गिरिराज जी खुश होंगे, गाय खुश होंगी और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। इतना सुन करके नंद बाबा सबको आदेश दे दिए कि देखो भाई मेरे बेटा का इच्छा है इसलिए अब इस बार गिरिराज जी की पूजा किया जाए। भगवान कहे कि जो भोग आप लोग लगाते हो इंद्र के लिए उसी भोग से गिरिराज जी का हो जाएगा, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब सभी लोग क्या किए कि बड़े खुश होकर के सब लोग गिरिराज पूजा के लिए सुंदर पुआ खीर पकौड़ा मिठाई रबड़ी रसगुल्ला जिलेबी इमरती पापड़ भात दाल कढ़ी खिचड़ी
मालपुआ ये सब वर्णन है भागवत में। आप लोग तो यहाँ भोग के लिए कुछ भी नहीं लाए हैं, लेकिन गिरिराज जी के लिए सब कुछ है, सब आया हुआ था। गिरिराज पूजा आज है, आज बहुत भोग लगता है ब्रजमंडल में, भागवतों में भी लगती है जब जहां जहां कथा होती है। मैं कल बताया था, शायद आप लोग ध्यान नहीं दिए, मैं कहा था कि कल गिरिराज पूजा होगी और कल रुक्मिणी विवाह, कल के कथा में रुक्मिणी विवाह हम लोग कराएंगे। तो खूब सुंदर पकवान बन करके आया था, सभी लोग अपने अपने घर से, कोई पुआ बना कर लाया था, कोई पकौड़ा बनाया था, कोई मिठाई बनाया था, कोई खीर बनाया था, कोई दाल, दाल का कुंड बना हुआ था, भात इतना बना था कि पहाड़ जैसा दिखाई देना था, इसीलिए उसको अन्नकूट कहते हैं। अन्नकूट, अन्न माने चावल, कूट माने पहाड़, चावल का पहाड़ ही बन गया था। और सभी लोग ले जाकर के गिरिराज जी के सामने भगवान थे, और एक रूप में भगवान उन ब्रजवासियों के साथ खड़े हैं और दूसरे रूप में भगवान गिरिराज जी में प्रवेश किए। और जब भोग लगने लगा तो भगवान सब खाने लगे, जितना आइटम था सब खा गए। सब बच्चे कहने लगे कि अरे कन्हैया ये कैसा भगवान है, ये अच्छा भगवान नहीं है, इससे तो अच्छा इंद्र थे, तो सब खा गया, थोड़ा भी हम लोगों के लिए नहीं छोड़ा, इसको कौन भोग लगाएगा, ये तो अच्छा भगवान नहीं है, इससे तो अच्छा इंद्र थे कि हम लोगों के लिए छोड़ देते थे। कृष्ण कह के तुम लोग इनके विषय में नहीं जानते हो, ये बहुत अच्छे भगवान है। तो बच्चे कहे क्या अच्छा भगवान है, थोड़ा भी छोड़ा नहीं कि हम लोग भी पाए होते प्रसाद। भगवान कहे कि तुम लोग अपना आंख बंद करो, और जब ही सभी लोग आंख बंद किए, भगवान कहे वो आंख खोलो, जब खोले तो क्या देखते कि जो अपने घर से एक सेव लेकर के आया था उसके थाल में 10 सेव हो गया है, जो 1 किलो रसगुल्ला लाया था उसके थाली में 10 किलो रसगुल्ला हो गया है, 10 गुना बढ़ गया। सब बच्चे कहने लगे अरे यार ये तो बहुत अच्छा भगवान है, हम लोग इसी को भोग लगाएंगे, 1 किलो मिठाई ले जाएंगे हम लोगों को 10 किलो मिल जाएगा। तो कृष्ण कहे कि हाँ ऐसे हमारे गिरिराज जी हैं, गिरिराज जी को भोग लगाओ। और उधर बेचारा इंद्र प्रतीक्षा कर रहा है कि अभी तक फोन नहीं आया ब्रजमंडल से, समय हो गया है क्यों नहीं सूचना मिल रही है। उसी समय